का स्वागत है हमारे ये श्रीमद् भागवतम के विहंगावलोक में, जो हम प्रयास कर रहे हैं इतना बड़ा भागवतम 18,000 श्लोकों का 6 दिन में कुछ ऊपर से देखें क्या है विहंगावलोकन और कैसा उसको देखना चाहिए। शुकदेव गोस्वामी ने बताया, हमको आर्ग दिया है उसके लिए, जो है 10 विषय वस्तुओं से। तो उसका हम चर्चा कर रहे थे और 2 दिन का हमारा बीच में ब्रेक हो गया। हाँ, 1 दिन का, कुछ लोगों का 2 दिन का, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन पूरा नहीं था, तो माफ कर दीजिए। मैंने बताया नहीं था कि सैटरडे संडे को नहीं होगा, तो इसलिए अभी सोमवार मंगलवार बुधवार में भगवान की कृपा से प्रयास करेंगे इसको पूरा करने की। तो हमेशा की तरह पहले हम लोग भागवतम का गुणगान करेंगे और कुछ जो हमने पिछले श्रवण किया है कुछ भक्तों से कुछ व्यक्त कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भक्त कितने हैं? तो ऑनलाइन ओके, 2 माता, 1 तो नारायण। तो सर्वप्रथम भागवत का गुणगान। तो जैसे मैं बता रहा था, मदे एक बंधो मत, सब बोल सकते हैं, मदे एक बंधो मत संगी, मत गुरु मत महाधनः, गुरु अन्निस्तारक मद्भाग्यो मद्भाग्यो मदानंद नमोस्तुते, असाधु मदानंद साधुतादाय, अति नीचोच्चतारका, मानामुञ्च कदाचिन्मा, प्रेम्णा हृत्कंठयो सुरा, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो श्रीमान राधा गोपीनाथ ने बहुत ही सुंदर कक्षा दिया कल, जो भी भागवतम के बारे में था, कौन सा जगह सबसे अच्छा है इस जगत में, वही श्लोक लिया था, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा भगा न साधवो भागवतस्तदाश्रयः, नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोकोपि अपि वै न सेव्यथा। तो सबसे अच्छा जगह कौन सा है ये जगत में, वो है जहाँ हरि कथा का नदी बह रहा है, वो पहला है। 3 कंडीशन है, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा, यहाँ पर वैकुंठ का कथा का सुधा का नदी बह रहा है। तो नदी तो बहुत जगह पे बहता है, लेकिन दूसरा क्या है, न साधवो भागवत तद आश्रय। तो नदी तो बहता है बहुत सारे लोग, लेकिन नदी से दूर कुआं भी खोदने वाले लोग हैं। नदी है लेकिन उधर कुआं खोदते उनको पता नहीं नदी है करके। तो इसलिए क्या बोला दूसरी लाइन में, कि जहां पर ऐसे साधु नहीं है जिन्होंने वो नदी का आश्रय लिया है, न साधवो भागवत तद आश्रय। तद आश्रय मतलब जो ऊपर जो नदी बताया है सुधा का, उसका आश्रय लिया है नदी का, नदी का आश्रय लेने वाले साधु। नहीं तो बहुत सारे लोग रहते हैं वो नदी का आश्रय नहीं लेते, उधर हफ्सा लगाते हैं, मतलब पानी के लिए अपना अपना घर में चाहिए यार, नदी के पास जाओ। ये तुकाराम महाराज उदाहरण देते हैं, कर्मी और ज्ञानी लोग कैसे हैं, नदी है भक्ति का लेकिन वो बाजू में कुआं खोदते हैं, जरूर देखे इतना मेहनत करना पड़ता है उसको, अच्छा नदी में कूद जाओ। और फिर तीसरा क्या है, नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सव, जहाँ संकीर्तन यज्ञ नहीं हो रहा, तो ऐसा जगह अगर स्वर्ग लोग भी है तो भी उधर जाना नहीं चाहिए, ये 3 चीज होना चाहिए, उधर जाना चाहिए। और फिर लास्ट का स्टेटमेंट बहुत अच्छा था, प्रभु जी ने बताया, बहुत अच्छा प्रश्न किया एक भक्त ने, कि भाई हम नदी में आते हैं डुबकी लगाते हैं लेकिन अपना टेस्ट किधर है, वो नाले में ही टेस्ट है, तो क्या करें। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जो भी है उनको दंडवत में बहुत ही प्रामाणिकता से पूछा, और प्रभु जी ने भी बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उसका लास्ट लाइन था कि क्या मांगना चाहिए ये जानने के लिए भागवतम में बैठना चाहिए, क्योंकि क्या हरिनाम चिंतामणि है, आपका कौन सा भी इच्छा पूरा कर सकते। चिंतामणि मतलब क्या, जो भी इच्छा है वो पूरा कर,
लेकिन भागवतम में आप बैठोगे, भागवत भी पूरा करेगा, लेकिन वो बताएगा आपको कि क्या इच्छा करो और क्या इच्छा मत करो। इसलिए भागवत में बैठना चाहिए। और बोले श्रील प्रभुपाद की जय। मैं बोला क्या जबरदस्त, क्या माना है ये जानने के लिए भागवतम में। तो इसलिए तो ये मांगना चाहिए, मधे ये सनातन गोस्वामी का अनुभव है कि मेरे ये सब भागवतम है, मेरा संगी, मेरा गुरु, बंधु, मदेक बंधु, मद संग, मद गुरु, मद महाधन, मद निस्तारक, मेरा भाग्य, मेरा आनंद, तो ये क्या है भागवत। तो मुझे कृपया छोड़ के मत जाइए, ऐसा बोल रहे हो, और हृदय और कंठ में स्फुरित हो, ऐसा बोल रहे हो। तो ये है विशेष रूप से भागवतम, जो सभी कार्य कर सकता है। इसलिए सभी गुरुजन क्या बोलते हैं कि भागवत का श्रवण कीजिए, भागवत का पठन कीजिए, अध्ययन कीजिए, बराबर की। क्योंकि गुरु महाराज को जो बोलना है वो सब दिया है उसमें, सब कुछ दिया हुआ है उसमें, इसलिए सभी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ जो हमारा चर्चा हुआ, हमने 4 स्कंद तक अभी कंप्लीट किया, तो आज हमारा इच्छा है कि अगले 3 स्कंद हो जाए। कितने? 5, 6 और 7। तो भक्ति वैभव हो जाएगा 6वें स्कंद में। उसके बाद भक्ति वेदांत का 7वां स्कंद भी चालू करने का इच्छा है, देखते हैं, क्योंकि 3 दिन है ना अभी। तो उसके बाद फिर 8, 9 और 12, और फिर लास्ट दिन को 11 और 10, मुक्ति और आश्रम से पहले। तो वो शुरू करने से पहले कैसा है, क्या हुआ है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग, कुछ भक्त बता नहीं सकते, संक्षिप्त में बताइए जो भी कुछ आपको स्मरण में है। जो परसों शनिवार को नहीं आए थे, मतलब नहीं आ पाए क्योंकि मैं बताया भी नहीं था, उसको व्यक्त करना है तो कर सकते हैं, किसी को करना है। क्या चर्चा हुआ हमारा अभी तक? माइक माइक रखा है ना, ऊपर कीजिए, किसको बोलना है तो बोल सकते। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ दस विषय वस्तु के बारे में चर्चा हुआ था बिल्कुल। विस्तार से। हाँ, हाँ लेकिन उसका थोड़ा कुछ पिछली बार क्या हुआ उसके बारे में कुछ बताएं, जैसे तीसरे और चौथे स्कंद का चर्चा हुआ बराबर पिछले शुक्रवार, उसके बारे में कोई और बताना चाहे? नहीं नहीं मैम कुछ भी। तीसरे चौथे उसमें हिस्सा नहीं पाता तीसरे में सर्ग और चौथे में क्या है, विसर्ग। विसर्ग का वर्णन है, बराबर। वो तो सुखदेव गोस्वामी बताते, लेकिन सर्ग में क्या समझना है हम? सर्ग में बताया था कि सब्जी जैसे वो पूरी सामग्री तैयार करते हैं भगवान, और ब्रह्मा बिल्कुल जी जैसे चपाती बनाते हैं बिल्कुल, उसका। वैसे ब्रह्मा जी फिर क्या बनाते हैं हमारे 64, हाँ चौ क्या 84 लाख स्पीशीज बना। तो ये सर्ग का मतलब हो गया, बिल्कुल सही। लेकिन सर्ग ये जो विषय वस्तु है उससे हमें क्या सीखना है, वो भी चर्चा किया ना, कि ये तीसरे स्कंद में क्या सिखाया जा रहा है सर्ग से। श्रवण याद आ रहा है उसी को, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी बोल सकते हैं। सर्ग मतलब देखो, एक स्लाइड था कि आपको हिंट देता हूं तो आप बताइए, सब जी को याद है, खा रहा है आप। प्राथमिक रचना जो की है भगवान हाँ ने, माइक दीजिए। प्राथमिक रचना जो की भगवान ने 24 तत्व, हाँ 24 तत्वों के बारे जो अभी आए हैं ना, उसका सर्ग में वर्णन है। हाँ तो उसका ये क्या है, हमें उससे क्या समझना है? ये तो ठीक है, ये सब है, लेकिन उससे हमें क्या सीख लेना चाहिए सर्ग से, क्या समझे? सब कुछ भगवान से आया है जन्म। हाँ वो सही है कि सब कुछ भगवान से आ रहा है, और क्या है, सबसे बड़ा चीज क्या भगवान से आ रहा है जो हमें मोहित करता है? हाँ बराबर, क्या? माया। बदलीला का वर्णन भी ज्यादा किया गया है सर्ग हाँ में। बराबर, उसका बताइए कि बदलीला जो है वो कैसे हमको बांधती है। बद्ध सृष्टि लीला। हाँ बद्ध सृष्टि लीला का ज्यादा वर्णन है सर्ग। तो उससे हमको उससे क्या होता है,
हमको दूसरी उसका जाना पड़ता है ना, मुक्त मुक्ति वाली सृष्टि लेकर हम कैसे प्रवेश कर पाएंगे जब तक हम हाँ बिल्कुल सटीक। सही है, लेकिन ये देखो सटीक अर्थ क्या है कि मेरे चेतना ये भौतिक इसमें कैसे उलझ गया ये पता चलेगा सर से। मतलब हमारे जीवन में हमारा चेतना अभी पदार्थ में इतना क्यों गया है ये कारण पता चलेगा। जैसे आदमी जेल में जाने के बाद उसको पता चलता है भाई मैं क्यों आया, तो फिर वो विचार करता है कि वो नहीं करना चाहिए था, फिर वापस जाना। आध्यात्मिक चेतना भौतिक कैसे बन गई? अच्छा हाँ ये सर्ग से हमें पता चलेगा। ये देखो ये दिख रहा है, मैं बड़ा करता हूँ। एक्चुअली मैंने स्लाइड भी भेजा है आपको, तो आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या है, हाँ ठीक है, सटीक अर्थ तो पढ़िए पहला वाला। बताएं, पदार्थ में हमारी चेतना को उलझाने की प्रक्रिया। सर्ग का सटीक अर्थ है पदार्थ में हमारी चेतना को उलझाने की प्रक्रिया। भगवान इस भौतिक दुनिया का निर्माण कैसे करते हैं? और फिर श्रीमद् भागवतम हमारे अस्तित्व का अर्थ प्रकट प्रकट करता है। करता है, ठीक है, ये पहला चीज है। देखो हम कैसे पकड़े गए और कैसे पकड़े जा रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है छूटने के लिए। तो ये सर्ग हम समझेंगे, ठीक है भाई भगवान ने कैसा बनाया वो सब ठीक है, अरे मैं कैसे पकड़ गया इधर। ये सर्ग से इसलिए 5 बार दिया हुआ है, मैंने बताया ना दूसरे और तीसरे स्कंद में 5 बार दिया है, क्योंकि जाने भाई बद्ध सृष्टि लीला क्या है। और दूसरा क्या है, माया कैसे कार्य करती है, मतलब हम कैसे पकड़े गए और पुलिस किसको पकड़ता है, समझ में। ये दोनों जानेंगे आप, माया कैसे कार्य करती है वो भी जाना ना लास्ट में, माया का हाँ आर्या का कार्य प्रणाली, कि पुलिस लोग पकड़ते कब है, किसको और क्यों पकड़े, बराबर फिर जेल में डालेंगे ना। अगर आप अंदर भगवान का काम कर रहे हैं तो पुलिस कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो वो भी जाना हम। ये सर्ग में माया का कार्य प्रणाली कैसा है, माया कैसे क्या करता है, कुछ ढकता है और कुछ दिखाता दिखाता है, बराबर। तो उसका उदाहरण क्या था, और योग माया और महामाया, प्रभु जी ने पूछा था वो बताया, दोनों काम हुए, हमको माया में ही रहना है, लेकिन कौन सी माया में रहना है, योग माया महामाया। अंधेरे कमरे में हाँ कमरे का उदाहरण दिया था ना, दीप दीप और कमरे का, तो रात को आप आ गए तो आपको भय शोक मोह होगा क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर सुबह आ गए तो शोक सब मोह भय कुछ नहीं। तो माया क्या करती है, अंधेरे में हमको सर्प या वृश्चिक या कुछ कीला दिखाती है जो है नहीं, वो क्या करती है, वो दिखाती है, इसलिए भय, अरे बाबू भय हो है ही नहीं वो, लेकिन दिखाती है। और जो है ये टेबल है लैपटॉप है सब है, नहीं। वो नहीं दिखाती, ये महामाया का कार्य। लेकिन जब सूर्य उग जाता है तभी क्या होता है, विद्या का सूर्य, तो फिर वो सर्प भी नहीं वृश्चिक भी नहीं, इधर लैपटॉप है सब दिखेगा। तो ये ढकने का कार्य कौन करता है, अविद्या, और विद्या करती है कार्य दिखाने का। इसलिए गीता और भागवत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो विद्या वो लाइट लगाते हैं, तो फिर हम देख सकते। तो ये सर्ग का महत्वपूर्ण था। और फिर हमारा जो सांख्य मेंटालिटी है, जो नास्तिकतावादी साइंटिस्ट लोगों का मेंटालिटी है ना, हम हमारा दिमाग लगा के रिसर्च करके सब कुछ हासिल करेंगे, ये मेंटालिटी ब्रह्मा जी का था। वो सो ढूंढ रहा था ना कि अरे मैं कहाँ से आया, वो पूरा घूमा लेकिन उसको कुछ मिला नहीं, लेकिन तपस्या किया भक्ति किया तभी उनको दर्शन। तो ये भी ये इसको बोलते हैं सांख्य फिलोसॉफी का खंडन, क्योंकि भागवतम को क्या बोला है, किसका कमेंट्री है भागवतम, किसका नेचुरल कमेंट्री बताते हैं, वेदांत सूत्र सुना है आपने, वेदांत सूत्र का ये क्या है, टीका है, जो ऑथर ने लिखा है वेदांत सूत्र उसने ही टीका दिया। तो पहले क्या करते हैं, वेदांत सूत्र बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, डीप ग्रंथ है, उसमें क्या किया है भाई, पहले समन्वय अधिकरण है, उसके बाद विरोध अधिकरण, मतलब हमको क्या करना है वो विश्वास से जानना और हमको क्या नहीं करना वो भी सही तरह से जानना, ये दो अध्याय।
इसको क्या बोलते हैं, स्वमत स्थापना और परमत खंडन, ये दोनों जानना मतलब संबंध ज्ञान, क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या चाहना है क्या नहीं चाहना। कल बोले थे क्या मांगना है ये जानना चाहिए, तो क्या नहीं मांगना ये भी जानना चाहिए। इसलिए न धनम न जन्म न सुंदरी, ऐसा कितना जगह पर। तो ये सांख्य गलत जो चेतना है उसका खंडन है तीसरे स्कंद। और फिर चौथ, तो तीसरे स्कंद में ये सीखा हमने, और क्या सीखा चौथे स्कंद में, क्या सीखा विसर्ग से, विसर्ग से क्या सीखा हमने, विसर्ग माइक कोई बता सकता है, बता लीजिए माइक लेके बता। हाँ प्रोजेक्ट से हमने 24 तत्वों के बारे में सीखा भाई। नहीं, विसर्ग में कहाँ 24 तत्व आ गए। विसर्ग मतलब कौन बनाता है, कौन करता है विसर्ग, ब्रह्मा। तो 24 तत्व ऑलरेडी है उनके पास, अभी वो अभी पराठा बनाएंगे ना, आपका कर्म और आपका इच्छा, ये ऐसा बना के पराठा बना, बराबर। तो वो है, तो उसमें हमने क्या सीखा, 84 लक्ष्य योनि बनाएंगे, वो शरीर बनाएंगे और हमको पहना देंगे, लेकिन उससे हमें क्या सीख मिलता है। हाँ प्रभु जी को, कर्मों के अनुसार उनको अपना शरीर। हाँ वो तो हो गया ना, पराठा तो बन गया उसका चर्चा, लेकिन उसमें हमको सीख क्या मिला चौथे स्कंद। कैसे इस बद्ध जीव शरीर से निकला जाए, मतलब कैसे आप अपनी प्रवृत्ति कर सकते हैं। हाँ वो तो कपिल शिक्षा में तीसरे स्कंद में उन्होंने बताया, मुक्त सृष्टि लीला, कैसे वैदिक जीवन शैली को अपनाकर, जैसे देवहूति ने कपिल देव का सेवा किया, तो वैदिक जीवन शैली को अपना के हम मुक्त हो सकते। लेकिन पांच चौथे स्कंद में क्या बताया है कि कैसे वैदिक जीवन शैली भी हमारा ध्येय नहीं है, लेकिन वो अनुकूल है, वो उद्देश्य नहीं है लेकिन वो अनुकूल है उद्देश्य के, इसलिए उसमें फंसना नहीं चाहिए। क्योंकि वैदिक जीवन शैली में बहुत सारे यज्ञ विधि विधान वर्णाश्रम, ये है तो ये करो, बहुत सारे विधि विधान होते हैं, बहुत सारे साधन, बहुत सारे साध्य, देवी देवता, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसे अत्रि मुनि वो सब देखा हमने, बराबर। तो क्या होता है, उसकी वजह से आदमी वैदिक जीवन शैली से आसक्त हो जाता है, अगर उसको ध्येय पता नहीं तो क्या करता है, अपराध करता है, कंपटीशन करता है, उसका असुरक्षितता होता है, वो सब हमने देखा। बहुत सारी छुपी हुई समस्या है उस, देखो हिरण्याक्ष का चिंतन कैसा था कि मेरे को भोग करना है, विधि विधान जाए बाहर में, बराबर क्या, जो भी है मेरे को क्या करना है, भोग करना। लेकिन उससे थोड़ा अच्छा क्या है भाई, वैदिक जीवन शैली को अपनाओ, लेकिन वो कैसा है, मैं वैदिक रास्ता अनुसरण करके भोग करूंगा, मतलब स्वार्थ तो उसमें है ही। इसलिए हमने उसका कितना सारा उदाहरण देखा, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, दंभ, ईर्ष्या, अभिमान, अनादर, अपराध, ये सब का उदाहरण चौथे स्कंद में बहुत सारे उदाहरण है, वो सब याद है आपको। अत्रि मुनि कंफ्यूज थे कौन भगवान है, हमको प्रभुपाद की कृपा से स्पष्ट पता है, लेकिन तब भी इसको नहीं था, इसलिए हमको स्पष्टता नहीं थी। उसके बाद दक्ष सभा, इतना बड़ा डेंजर चीज हुआ उधर, अपना बेटी का, बेटी को देह त्याग करना पड़ा, जैसे आपने वैदिक संस्कृति के अंदर भी, वैदिक संस्कृति के अंदर भी छुपी क्या हुई समस्या है। मतलब उस समय भी भगवान का की कल्पना ही करते थे क्या, जैसा बोला ना, जैसे वो उन्होंने बोला तो तीनों आगे तीनों भाई। प्रकट हो गए। हाँ हाँ तो बुलाया, भगवान को बुलाया उन्होंने, हाँ तो किस रूप में बुलाया, ये सबसे बड़ी बात थी क्या, नहीं, उनका जो जो कमी कमी क्या प्रार्थना था रहेगी। वो स्पष्ट नहीं था, हाँ कमी क्या रहेगी उनमें जो समझ में कमी थी, सिंपल ना, उसका, धुंधली, धुंधला, परम सत्य का धुंधला समझ था उनका। उसका मतलब ये हो गया कि उस समय के वातावरण के अंदर भगवान की समझ ऋषि मुनियों में भी नहीं थी, इसका मतलब। वही तो बोल रहा हूं मैं, अभी भृगु मुनि का लीला क्यों आता है, भृगु मुनि का लीला सुना है ना 10वें स्कंद में अंतिम, कि वो सब ऋषि मुनि हाँ बैठे हैं और बोल रहे हैं भाई सबसे बड़ा कौन है, तो हाँ भगवान विष्णु को जाकर मारते हैं शायद। हमको लगता है इस्कॉन में सब पता है तो बहुत इजी है, नहीं, बहुत इतना गुह्य ज्ञान है, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा खीरापत जैसा बांट दिया उसको,
प्रभुपाद जी ने ये स्पष्टता किया, लेकिन इसके पहले नहीं था स्पष्टता कोई। बिल्कुल। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ जैसा आप बता भी रहे हैं, जैसे इसका मतलब ये है कि ये जो ज्ञान है, इतना कॉन्फिडेंशियल ज्ञान जो है, ये हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर भी, हमारे अन्य शास्त्रों में नहीं बताया गया, है लेकिन छुपा छुपा हुआ। हुआ है। अच्छा, तो ये भागवतों के अंदर जाने भागवतम में प्रकट। बहुत बार शुद्धता से बताया गया। हाँ, ये यही तो नारद मुनि बोल रहे थे ना कि वेद व्यास को आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है, आपने कल्प वृक्ष तो बना दिया। भाई ठीक है, मानता हूं मैं, लोगों को भोग चाहिए, आपने भोग दिया है, अंदर मेडिसिन दे दी, ठीक है। लेकिन कोई प्रामाणिक आदमी आएगा, भाई मेरे को परम सत्य बताओ, उसके लिए कौन सा ग्रंथ लिखा आपने? आपने लिखा ही नहीं, फिर आप असंतुष्ट उसकी वजह से हो। और फिर पढ़ने वाले क्या होगा, आपका ऑथर ही असंतुष्ट है तो पढ़ने वाला का क्या होगा। तो ऐसा ग्रंथ लिखो जो परम सत्य को स्पष्टता से बताता है, तो वो है भागवत। बाकी कुछ भी ग्रंथों में भगवान का गुणगान है, लेकिन बाकी भी है, इसलिए स्पष्ट नहीं होता। थोड़ी स्पष्टता के बारे में भी फिर इस समय नारद जी ने उनके अंदर बुद्धि प्रकट की यस है ना, क्योंकि अगर होती स्पष्टता पहले तो वो पहले ही बता देते इस चीज के बारे में। देखो, ऐसा नहीं, वेद व्यास को स्पष्ट था, वेद व्यास के समझ में प्रॉब्लम नहीं था। वेद व्यास का जो वो इतना क्या बोलते हैं उनको, उनके जो प्रस्तुतिकरण है उसमें प्रॉब्लम था। अच्छा, प्रेजेंटेशन में। यस, क्योंकि वेद व्यास तो वो सब स्पष्टता से जानते, इसलिए तो भगवत गीता दे दिया ना महाभारत। भगवत गीता में बोला है ना, हम सर्वस्य पवो मत्तः सर्वं, सब सत्य भगवत गीता में दे दिया है। वो नारद मुनि को बोलते मैंने भगवत गीता दिया है, तो नारद मुनि क्या बोलते हैं उनको, ठीक है आपने दिया है, महाभारत में इतना माल मसाले वाला, इतना मसाला है उसमें, तो लोग मसाले में डूबे रहेंगे, और जब भगवत गीता आएगा तभी क्या करेंगे, वो भगा देंगे, तो बोलेंगे अरे ये छोड़ना, इधर किधर मसाला है। तो इसका कमल लोचन को क्या उदाहरण देते हैं कि आप कैप्सूल होता है, तो डॉक्टर बराबर समझ के कैप्सूल देता है, बहुत अट्रैक्टिव कैप्सूल होता है, अंदर मेडिसिन होता है। तो ये कलयुग वाले लोग क्या करेंगे, बोले कि वो बाहर का चाहिए होगी और ये नहीं चाहिए मेडिसिन भगवद गीता का, नहीं तो नारायण, तो क्या करेंगे, निकालेंगे क्या मेडिसिन फेंक करके सिर्फ कैप्सूल लेंगे। इसलिए आपने बहुत बड़ा ये किया है, जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासित स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम, महान आपने व्यतिक्रम किया, अन्याय किया है आप। सोचिए क्यों, क्योंकि आपके नाम पे वो बिल फाड़ेंगे, वो सब गलत कार्य करेंगे, नॉनवेज खाएंगे और बोलेंगे वेद व्यास बताए, और वैसे कर रहे हैं। तो नारद मुनि ये सब देखे, तो बुद्ध के वक्त वही हुआ ना, वेदव्यास जी ने लिखा, उसके बाद बुद्ध क्यों आए, क्योंकि ये सब लोग ऐसे ही फाड़ रहे थे, सब मार रहे थे, और ये प्रॉब्लम। तो इसलिए ये जो ज्ञान हमें दिया गया प्रभुपाद जी ने, वो बहुत गुह्य है। अभी भारत में देखिए ना, किसको स्पष्टता है, नहीं है स्पष्टता, नहीं कौन कौन है। तो ये बात चौथे स्कंद में वैदिक जीवन शैली में ये प्रॉब्लम है, इसलिए वेस्ट में उनको अच्छा था, एकदम क्लियर स्लेट था भाई, कृष्ण भगवान है उसका जप करो बस, उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं जाना। लेकिन इधर क्या है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, और कल्चर का भी डिस्ट्रैक्शन है। उधर क्या, वो लोग सब छोड़ छाड़ के आ ही गए थे, तो उनको भौतिक आसक्ति नहीं, पारिवारिक आसक्ति नहीं, देवी देवताओं का कुछ पता नहीं, तो उनको डायरेक्ट कृष्ण बताना, ग्रहण करना थोड़ा आसान था, क्योंकि प्लेट अपना प्लेट पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बहुत कुछ, तो पहले मिटाओ बाद में सही ये करो। तो ये प्रॉब्लम है वैदिक जीवन शैली, इसलिए बोलते हैं ना जो राधेश्याम को बोलते थे, ये सदाशिव पेट वाले लोगों को भक्त बनाओ, भगवत धाम जाओगे। बोलते कॉइन वेट होगा मतलब ये जो पुणा के लोग है ना, जो ब्राह्मण लोग है, उनको आप भक्त बना के दिखाओ, तो आप भगवत धाम जाओगे, क्योंकि वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो अच्छा है, सब कुछ पार्टी है, वो बोलेंगे क्या क्या जरूरत है, आप क्या सिखाते हो, उनको भक्त बनाना और मुश्किल है। क्यों, वैदिक संस्कृति हो, हम तो पाप नहीं करते, हम हालांकि आजकल के सब करते हैं, लेकिन तब भी, तो ये समस्या है।
तो चौथे स्कंद में वही बताया है सब यज्ञ में कितना रिस्क है, क्या क्या है, कितना, देखो ये सब हमने देख लिया था, ढूंढ लिया, भ्रमित समझ, अनिश्चितता है, अंग महाराज को ऐसे वीण जैसा बेटा मिल गया, तो यज्ञ में अनिश्चितता होता है, और पृथु महाराज का कंपटीशन इंद्र से, इंद्र का कंपटीशन उनसे, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ध्येय पता नहीं, अभी पृथु महाराज का तो ध्येय क्लियर था, लेकिन दूसरे ने गलत समझ लिया, बिल्कुल इंद्र भगवान, तो उन्होंने पूरा गलत परंपरा भी चालू कर दिया, उन्होंने भोंदू सन्यासी वगैरह बन गए, उन्होंने ही चालू किया परंपरा, तो ये सब उसकी वजह से हो रहा है, अपराध उसकी वजह से हुआ, सुरुचि का अपराध, दक्ष, शिव, ये सब, और ये कर्म मीमांसा का खंडन है। देखो कर्म मीमांसा क्या होता है, जो भगवान ने खंडित किया ना गोवर्धन लीला में, आपने सुना ना कि वो गोवर्धन का पूजा करने को बोला, तो इंद्र का छोड़ के अब गो, तब भी भगवान ने कर्म मीमांसा बोला, जो कि सही सिद्धांत नहीं है, तो वो क्या सिद्धांत है कि वो आप क्या करो, धर्म करो और आप स्वर्ग जाओ, मस्त भोग करो, वापस आओ, वापस धर्म करो, वापस स्वर्ग जाओ, भोग करो, वापस आओ, ये है कर्म मीमांसा, वो वैदिक सब है। और ऐसा एक आदमी जा रहा था, और शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य है, वो बैठे थे एक, वो यज्ञ में बैठा था ये कर्म मीमांसक, और वो अभी 5 मिनट में ये यज्ञ लगाने वाला था, और वो खुद मरने वाला था, तो शंकराचार्य बोले भाई 2 मिनट रुको, हम थोड़ा शास्त्रार्थ करेंगे, तो बोले नहीं 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 मैं जा रहा हूँ स्वर्ग, मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, और वो खुद को जला के स्वर्ग में भोग करने के लिए जाना, तो इतना कन्विक्शन था उनको, ये शंकराचार्य का परिस्थिति मतलब कुछ 1000 साल पहले की बात, तो ऐसा विश्वास था ये कर्म मीमांसक लोगों को, तो बोले क्या मोक्ष भिक्ष, मस्त भोग करो, तो हम बोलते थे उनको उधर जाके नीचे आएंगे वापस, बोलते ठीक है ना नीचे आके वापस कर्म करो, ऊपर जाओ भोग करो, वापस आओ, क्या प्रॉब्लम, तो ये कर्म मीमांसा है, इसका खंडन चौथा स्कंद करता है कि वैदिक विधि विधानों से भोग करो, ये कर वेदिक से भोग करो, ये सही सही मानसा है। अच्छा नहीं है ना, सही वही तो वैदिक, इसको बोलते हैं लेटर ऑफ द लॉ पकड़ लिया, स्पिरिट ऑफ द लॉ नहीं पकड़ा, और यही चिट फाड़ना है जो बोल रहे थे नारद मुनि, वैदिक का जो भी हमको अच्छा लगता है उसको पकड़ो फॉलो करो, लेकिन उससे आगे बताया ना सर्वधर्मान परित्यज भी बताया, नहीं नहीं वो हमें के लिए नहीं, हमको ये अच्छा लगता है यही हम करें, मतलब हाफ एंड लॉजिक है ना, हाफ एंड लॉजिक, प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक मुर्गी है वो हाँ सोने का अंडा देती है, तो इस साइड में खाना पड़ता है उसको, खाना देना, तो वो सोचता है यार खाने देने को देने, अंडा ही मिलेगा तो ये साइड कट कर देता हूँ, वैसा है शास्त्र को पूरा ग्रहण करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं ये लोग, हम शास्त्र फॉलो करते हैं तो हम ये करें, तो ये बात है, कितने सारे लोग बोलते रामायण में भगवान रामचंद्र ने मांस खाया तो हम खाए, तो ये लोग है आजकल भी है ऐसे लोग, वशिष्ठ मुनि ने मांस खाया इसलिए हम खाए, और लेकिन वो कब खाया, अपत धर्म था ये देखेंगे नहीं, उनको खाना है उसको दिख गया हो गया, अरे हमारा भी ऐसा होता है, हमको जो चाहिए प्रभुपाद जी बोल रहे तो हम वो पकड़ लेते हैं, अरे लेकिन प्रभुपाद जी दूसरा भी बोले हैं कुछ, तो समझ ना अपने इच्छा के लिए शास्त्रों का इस्तेमाल करना, ये है कर्म मीमांसा मेंटेलिटी, इसका खंडन करता है, क्योंकि ध्येय चला जाता है ना, ध्येय क्या है, भगवत साक्षात्कार, भगवत प्रेम भक्त वो नहीं, तो ये खंडन हो गया कर्म मीमांसा का, इसके वजह से ये सब होता है, और सबसे बड़ा डेंजर क्या है कि ये बंदा भौतिक जगत में रहता है मिश्र, हाँ तो ये है सॉल्यूशन, मैंने बताया सॉल्यूशन क्या है कि भाई वैदिक विधा, वैदिक जीवन शैली अच्छा है, उसको आप ले करके क्या करो, शुद्ध भक्त का संगति करो, उनका हरिनाम और हरि कथा सुनो, तो वो ध्रुव महाराज ने प्रार्थना किया, और किसने किया, पृथु महाराज ने, कि मेरे को कितने चाहिए, कान चाहिए बहुत सारे, बहुत और फिर नारद मुनि ने प्राचीन परिषद को भी वही उपदेश दिया, जो किसमें आसक्त था वो भी ऐसा ही था, उनके गुरु भी वही बता रहे थे, अरे मस्त सब कर्म कांड यज्ञ करो और स्वर्ग में भोग करो, तो उन्होंने इतने यज्ञ करते थे कि पूरा धरणी
कुशाग्रास जो है ना, अपना कुशाग्रास का जो ये होता है ना आसन, उससे पूरा फैल गया था सब जगह पे, क्योंकि इतना यज्ञ करवाता था ना, इसलिए उसका नाम पड़ गया वो प्राचीन भरी पे, मतलब सब जगह पे इतना यज्ञ करवाया। लेकिन जब नारद मुनि से मिला और उनका आँख खुल गया, वो बोला अरे यार नारद मुनि, आपने जो बताया मेरे पहले वाले गुरु कुछ समझते नहीं थे, क्योंकि वो सब कर्मकांडी थे। तो शुद्ध भक्त का संग और उसका कथा श्रवण, उनका संकीर्तन का श्रवण, वही बताया तस्मिन महान मुखरिता मधुवित चरित। ऐसे जगह पे जाओ, सेम चीज है देखो, जहाँ मधुवित चरित्र का प्रवाह हो रहा है। यहाँ पर क्या, पीयूष, पीयूष मतलब अमृत, शेष सरिता, सरिता मतलब नदी, परितई स्रवंती, बहुत भर भर के उधर नदी बह रहा है, किसका, मधुबी चरित्र का नदी बह रहा है। उधर जाओ, उधर नहाओ, उधर भक्त लोग बैठे रहेंगे और उसमें वो डुबकी लगा के आनंद लेते हैं, उसमें आप जाओ तो कुछ होगा आपका, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये चौथे स्कंद का अंतिम था, बराबर। तो अभी हम जाएंगे पांचवें स्कंद, ठीक है। तो तीसरे में हमने कुछ समझा, चौथे में कुछ समझा, और पहले दो में क्या समझा वो पता है। पहले पहले अध्याय में अधिकार, पहले स्कंद में अधिकारी तत्व, और उसका सार क्या है भाई, हमें अच्छा आतुर श्रोता बनने का अधिकार प्राप्त करना है। तो हमें भगवान योग्य वक्ता प्रदान करेगा और फिर सब दरवाजे खुल जाएंगे। और फिर साधन क्या करना है, नवोदा भक्ति, विशेष रूप से सभी लीलाओं का श्रवण, सृष्टि लीला से शुरुआत करें, ये पहला। तो अभी उसके बाद सांख्य का खंडन हुआ और कर्म मीमांसा का खंडन हुआ, अभी पांचवे में क्या है देख। तो इसका सबका जो परिभाषा है, ये 10 विषय वस्तु का परिभाषा भागवत में ही दिया है। तो 2.10.3 से देखो, भूत मात्र इंद्रिय धियाम जन्म सर्ग उदारतः ब्रह्मणो गुण वैषम्यात् विसर्ग प्राकृत स्मृतः। तो ये सर्ग और विसर्ग का परिभाषा है जो हमने देख लिया, कि भाई भूत मात्र मतलब विषय वस्तु, इंद्रिय बुद्धि, इसका जन्म मतलब सर्ग सामग्री का, और विसर्ग जो ब्रह्मा जी बनाते। तीसरा क्या करता है, सांख्य फिलोसॉफी को ये करता है, और चौथा क्या है, कर्म मीमांसा विसर्ग। अभी पांचवें स्कंद में क्या है, क्या बताया है मैंने पांचवें स्कंद में, अगला विषय वस्तु कौन सा है पांचवें स्कंद में बताइए। पोषण स्थान हाँ, स्थान, पोषण उसके आगे, स्थान, स्थान मतलब क्या, स्थान 14 भुवन, और ये सब बना है उनको रहने के लिए जगह, और अलग अलग उधर के विधि विधान, ये है स्थान। तो उसका पांचवा स्कंध है बराबर स्थान। तो दो चीज का सृजन होता है उस, एक क्या है, बाहरी रूप से घर, और आंतरिक रूप से वहां पर रहने के लिए कुछ विधि विधान, ठीक है। ये दो चीज का सृजन किया, कि अलग अलग घर बनाया और उधर का विधि विधान, जैसे आप देखो ये इधर जगन्नाथ, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है, उधर का जो विधि विधान है ना, उधर का मेंटेनेंस है जो भी है। दूसरा फ्लैट में जाएंगे उधर अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्तर है, और वैसे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं रहने के लिए उधर, बराबर। तो वैसा ही उन्होंने बनाया। तो क्या लिखा है, एक पीछे लेना पड़ेगा तो बड़ा होगा, तुमने मोड़ा नहीं कर सकते। सही तो बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या करो, आप इधर शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा ऐसा शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अभी कोई आने नहीं वाला, आप इधर शिफ्ट हो जाओ, और उसको जितना हो सके उतना पीछे ले लो, कितना पीछे ले सकते हो उतना। नहीं, उधर नहीं, पीछे पीछे सिर्फ पीछे, हाँ बस बस अभी इसके ऊपर आ गए, बस 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 थोड़ी अभी उसको ये करना पड़ेगा, फोकस करो। थोड़ा हाँ, बस और फोकस करना पड़ेगा उसको,
हाँ तुम्हें करा थोड़ा गोल गोल दिखते क्लियर है अर्जुन क्लियर है थोड़ा फिरवा बहुत खाता नहीं फिरवा। हाँ हाँ देखो धुंधला मतलब ऐसा समझ में आ रहा परम सत्य धुंधला दिखता है मतलब ठीक है अभी ठीक है। तो मैक्सिमम होगा हाँ ठीक है तो ये दो चीज है तो क्या है 14 भुवन और वहां के विधि विधान जो उधर रहने वालों को फॉलो करने पड़ते हैं नहीं तो क्या होगा उनको निकाला जाएगा जैसे त्रिशंकु का था वो लीला पता है आपको विश्वामित्र चाहते थे अरे जा स्वर्ग लेकिन पात्रता नहीं था तो वो इधर से भेजते थे और वापस उधर इंद्र बोलता था चल नीचे तो ये वापस भेजते थे चल नीचे तो उधर का विधि विधान को पालन जैसे रावण सीढ़ी बनाना चाहता था हाँ नहीं बना क्योंकि विधि विधान का पालन करना पड़ेगा ना जहां जाना है आपको। लेकिन हिरण्यकशिपु का शक्ति देखो कितना है सब बदल सकता था दूसरा कोई नहीं कर पाया रावण भी नहीं कर पाया हिरण्यकशिपु कर रहा और नारद मुनि उनका सेवक थे तो वो आज का श्लोक था प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया उसके बारे में कंट्रोल और मेंटेलिटी नियंत्रण मेंटेलिटी कैसा होता है श्रीमान हमारे श्री गोपाल प्राण प्रभु ने बहुत सुंदरता से बताया बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने मॉनिटर कोई बन जाता है तो अपना अपना ये दिखाता है शासन दिखाता है बहुत मस्त उदाहरण से चेतना को व्यक्त किया। तो देखिए अभी ये समझिए इसमें क्या है ये दो चीज याद रखिए इधर क्या है 14 भुवन है और उधर के विधि विधान है नियम है तो वो फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका परिभाषा क्या करते हैं सुखदेव गोस्वामी 2.10.4 में स्थिति ही वैकुंठ विजय स्थिति मतलब वैकुंठ का विजय भगवान का विजय मतलब क्या ये 14 भुवन में आपके हिसाब से आप रहोगे और उधर का विधि विधान का पालन करोगे तो आगे बढ़ोगे वैकुंठ की तरफ। तो उसका मतलब उन्होंने दिया है प्रभुपाद जी का है ये पढ़िए जीवों के लिए हरे माइक में पढ़िए जीवों के लिए सही स्थिति यह है कि वे भगवान के नियमों का पालन करें और इस प्रकार पूर्ण शांति में रहें। हाँ सही स्थिति क्या है जीवों के लिए कि भाई वो भगवान के नियम का पालन करें और शांत रहे मतलब कि जहां भी आप रह रहे हो उधर हमने भगवान का नियम का पालन कर कल मैंने बताया ना उर्वशी अर्जुन का परसों तो उधर के नियम अलग है जिसको उधर रहना है वो उधर के नियम फॉलो करे जिसको इधर रहना है इधर के नियम फॉलो करे तो फिर नीचे जाओ नीचे आपको अप्रोच करना है उधर का नियम तो फॉलो करो जहां भी हो वहां का नियम फॉलो करो और आगे बढ़ो। तो इसलिए 14 ग्रहीय प्रणालियों को बनाया ब्रह्मांड में अर्जुन वहां गए ऊपर तो एक्चुअली ये पूरा करते हैं बाद में उसके ऊपर आएंगे चर्चा पूरा हो जाएगा समझ नहीं आप गया स्पष्ट हो गया मेरे को हो जाएगा अगर हम वर्णन करेंगे आप ध्यान में रखिए मैं आपके पास आऊंगा ये स्लाइड देख लेते हैं। तो पहला क्या है 14 ग्रह बनाए 14 प्लैनेट और दूसरा नैतिक कानून और मनोवैज्ञानिक प्रकृति साइकोलॉजिकल नेचर ये वर्णाश्रम भी है ना ये भी इसमें आता है स्थान क्योंकि हर एक आदमी अपने अपने स्तर से नियम का पालन कर सकते। अब कोई क्षत्रिय है उसको बोलेगा ब्राह्मण के तरह जियो वही कर रहा था कौशिक राज कि भाई मेरे को वो बनना है अरे इतना आसान नहीं है ना। और कोई मतलब ये दूसरे का नियम पालन करने का शक्य नहीं आप जो हो वो आप पालन करो और आगे बढ़ो। तो मनोवैज्ञानिक प्रकृति राक्षस है देवता है ऋषि है उनको अलग अलग नियम है ना सबको तो अलग अलग जगह पे भी रहते हैं और भारतवर्ष में ही वर्णाश्रम सिस्टम है क्योंकि ये कर्म भूमि है वो भी जानेंगे आप ये सब जगह पे नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने 5वें स्कंद पर बहुत जोर दिया क्यों जोर दिया देखो मायापुर में मंदिर आ रहा है उधर क्या दिखाना चाहते हैं प्रभुपाद 14 लोग कैसे महाविष्णु से नहीं तो गर्भोदक्ष विष्णु से आते हैं ये सबको दिखाना है हम। देखिए मूर्ख साइंटिस्ट लोग आप लोग समझते हो ये चांद से आया ऐसा नहीं है ये देखो आपका आंखों देखो इतना बड़ा मॉडल बनाना था उनको और दिखाना था कि देखो ये भगवान ने बनाया है 14 भुवन बनाया है
तो प्रभुपाद जी और हरिकेश महाराज को क्या उन्होंने आदेश दिया कि भाई पांचवें स्कंद पे आप अलग से एक टीका लिखो। मैंने तो लिख दिया है, लेकिन आप वैज्ञानिक तरह से टीका लिखो जहां पर ये 14 भुवनों का अच्छे से वर्णन होगा। जिस तरह से ये जो सृजन के अलग अलग सिद्धांत है ना, मनोगढ़ंत सिद्धांत, वो सब परास्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने जोर दिया और उसके लिए कितना बताया कि मेरा इच्छा इधर बहुत बड़ा मंदिर होना चाहिए, जो अभी आ रहा सबसे बड़ा। तो क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक मेंटेलिटी जो है, सांख्य चेतना, वो क्या करती है, वो पदार्थ का अच्छे से संशोधन करती है। किसके लिए? स्वार्थ और भोग करने। अच्छा रिसर्च करते, मंगल पे ये भेजते हैं वो लोग, लेकिन करने के लिए क्या? उधर जाके भोग करना। स्वार्थी मेंटेलिटी है, नास्तिक मेंटेलिटी, उसको कौन तोड़ेगा? क्योंकि भगवान ने बनाया, इसका पर्पज क्या है वो जानो। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया ये टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम पे, और पांचवें स्कंद पे हरिकेश महाराज को बोला आप अलग से टीका लिखिए। शायद वो लिख नहीं पाए क्योंकि उनको 100 दंडवत करके बोल रहा हूँ कि वो समस्या में आ गए, और वो भक्ति से थोड़े देर के लिए डिबेट हुए। लेकिन बहुत बड़ा सेवा किया उन्होंने, हम सोच भी नहीं सकते इतना सेवा किया। तो ये रह गया प्रभुपाद जी का इच्छा अभी। तो प्रभुपाद, और तात्पर्य में पांचवें स्कंद के पहले अध्याय के 14वें तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कैसे हमें कानून को फॉलो करना है। तो ये ब्रह्मा जी किसको बोल रहे? प्रियव्रत, कि देखो प्रियव्रत, तू ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा है और तुझे लगता है तो बहुत खुश है, और वो सही भी है, नारद मुनि भी चाहते हैं, लेकिन इधर जरूरत है ना मुझे, और भगवान का इच्छा मैं बोल रहा हूँ, मैं स्वार्थ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सेवा है, इधर कोई राजा होना चाहिए, तो आप आ जाओ। तो वो एक सिद्धांत बताए वो उनको कन्विंस करने के लिए कि भाई हम बैलों की तरह है, सभी लोग वैदिक विधि विधानों से, उनके जो रोप रोप को क्या बोले, रस्सी रस्सी से बंद बंधे हुए नाक में, तो क्या होता है ना, क्या बोलते, नकेल में। तो हम सब लोग वैसे हैं कि रस्सियों से बंधे हुए हैं, और वो क्या रस्सी है? वर्णाश्रम का रस्सी, तो वो हमें फॉलो करना चाहिए, ऐसा बताते हैं। और प्रभुपाद जी उधर क्या लिखते हैं, पढ़िए। अगर मानव समाज वैज्ञानिक रूप से विभाजित है है, एक्चुअली ये थोड़ा ट्रांसलेशन का ये है, और यदि वैदिक निर्देशन का पालन किया जाए, निर्देशों का पालन किया जाए हाँ, तो और किसी का जीवन चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो सफल सफल हो, होगा। तो वैदिक विधि विधानों का पालन करेंगे ना, तो कोई भी हो। हाँ आगे पढ़ो ना, ये कि ब्राह्मण, यह नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण भगवत धाम प्राप्त करेगा, परलौकिक मंच मतलब ट्रांसेंडेंटल, वो उसने ऐसा ट्रांसलेशन किया। पारलौकिक मंच तक ऊपर उठाया जाएगा। पारलौकिक मंच क्या हो हाँ, गया? ट्रांसेंडेंट भगवत धाम, अच्छा, ऐसा नहीं कि शूद्र नहीं जाएंगे, सिर्फ ब्राह्मण ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप आपके विधा विधान का पालन करो, आप भगवत धाम जाओगे, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। यह है यह है कि नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण पारलौकिक मंच तक पर, ऊपर उठाया जाएगा, लेकिन लेकिन शूद्रा नहीं, ऐसा नहीं है। यह वैदिक यदि ट्रांस वैदिक आदेशों का पालन किया जाए तो वे सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उन्हें पारलौकिक मंच मतलब ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड तक ऊपर उठाया जाएगा, और उनका जीवन सफल होगा। तो कंपटीशन करने का जरूरत नहीं है, आप जो हो उसका नियम का पालन करो, आपका आश्रम है और वर्ण है, उसके हिसाब से वो पालन करो, और आप भी भगवत धाम पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ ब्राह्मण पहुंचेगा, सिर्फ क्षत्रिय जाएगा, वैश्य जाएगा, सब लोग, अरे शूद्र क्या नीचे वाले भी जाएंगे, अगर उन्होंने शुद्ध भक्त का संग किया तो वो भी जाएंगे। तो वो बात बोली जा रही है, क्यों बोला है, बैल का तुलना क्यों किया है, कितने लोगों ने बैल को कभी ये किया है, इधर की आप है इधर काफी लोग। तो क्या है, वो रस्सी जो है तो लगा उसको बहुत प्रॉब्लम होता है इधर, बराबर है, वो सीधा पकड़ चल रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं उसको, लेकिन किधर उधर जाता है तो क्या करता है, हम खींचते हैं, तो तकलीफ उसको भी तकलीफ होता है, और जो जा रहा है उसको भी तकलीफ होता है। तो अपने आप के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा,
हम खुद को तकलीफ होगा, नाक में प्रॉब्लम होगा, और दूसरा क्या है, दूसरों को भी तकलीफ देंगे हम लोग, ये प्रॉब्लम। इसलिए ये सोसाइटी को बोला गया है। तो हाँ ठीक है, ये तो सेम है। तो ये 5:1:14 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखा, और ये बहुत वैज्ञानिक है प्रभुपाद जी बोले। इसलिए प्रभुपाद जी बोले ना, मेरा 50% काम मेरा बच गया है, वो क्या है, वर्णाश्रम स्थापन करना। कि भाई आदमी अपने अपने हिसाब से सेवा में लगे, ना कि सबको टेम्पल प्रेसिडेंट बनना है। क्यों बनना है भाई, आप खुद डिस्टर्ब रहेंगे, दूसरे को भी डिस्टर्ब करो। आपका नेचर है, अगर शास्त्र पढ़ना है तो आप टेम्पल प्रेसिडेंट मत बनिए, आप शास्त्र पढ़ो। आपका अगर आप पैसे से का अच्छा हैंडल कर सकते हैं तो आप वो सेवा कीजिए, और आप सबका सेवा कर सकते तो वो कीजिए। हर एक को अलग अलग, हर एक का मशीन है ना, वो भगवान ने बनाया, वो अलग अलग कार्य कर सकता है। और जो सर कार्य कर सकता है वो हाथ कर सकता है, जो हाथ कर सकता है वो पेट कर सकता है, और जो पेट कर सकता है वो पैर कर सकता है क्या नहीं? और इसमें से एक भी मिसिंग है तो कुछ काम करेगा? सर के पास पैर नहीं है तो क्या फायदा हुआ सर का? कुछ फायदा नहीं। तो ये एक दूसरे का आदर करना चाहिए कि भाई मेरा अस्तित्व इसके ऊपर है। और ये भी ऐसा सोचना चाहिए कि भाई मैं तो चल सकता हूँ लेकिन कहाँ जाना है ये बता रहा है, और हाथ मेरे को लेके जा रहा है। तो ये जो सोसाइटी है ये प्रभुपाद जी चाह रहा, ना कि कंपटीशन। आज सबको सब कुछ बनना है, कुछ जरूरत नहीं है। आपका मशीन कैसा बना वैसा काम करो तो आप संतुष्ट रहोगे, दूसरों को प्रॉब्लम नहीं करोगे, यही बताया जा रहा है 5वें स्कंद। तो ये है 5वें स्कंद का अभी क्या क्या स्टोरी है। देखिए ये मेन लेसन है, तो अभी स्टोरीज देखो। तो पहले 3 अध्यायों में कौन सा स्टोरी आता है, मैंने अभी बताया, प्रियव्रत महाराज, नारद मुनि और ब्रह्मा जी। क्योंकि उत्तानापाद उनका सब वंशावल सब चला गया था, अभी राजा नहीं था कोई, इसलिए ब्रह्मा जी को आना पड़ा कि भाई कोई तो राजा। तो स्वयं वो मनु सोचे, अरे बड़ा बेटा है मेरा ब्रह्मचारी आश्रम में, नारद मुनि के साथ खुश है, लेकिन अभी जरूरत है। तो वो गए नारद मुनि के पास, नारद मुनि बोले नहीं इधर दो, बढ़िया मस्त है वो, क्यों आप लेकर जाना चाहते हैं उसको? तो नारद मुनि एग्री नहीं किए, तो फिर स्वयंभू मनु भी वो बोले अरे राजा तो चाहिए ना, राजा नहीं तो कैसे चलेगा, मेरा सेवा है ना, मनु मतलब पूरा देखना है उसको। तो फिर ब्रह्मा जी आ गए उधर, जीबीसी एक काउंसलर थे, टेम्पल प्रेसिडेंट, और जीबीसी आ गए, और उन्होंने सब शांत किया। प्रियव्रत को बोला देखो ये भगवान का इच्छा है, आप राज्य संभालो। तो वो बोले ठीक है। तो ये है सच्चा, ये प्रियव्रत महाराज, क्योंकि वो महा महान भक्त है। तो ये स्टोरी कहाँ आता है, पहले चैप्टर में। और फिर उसका बेटा हुआ अग्निध्र, और उसका बेटा हुआ नाभि, तो वो सब इधर आता है पहले 3 अध्याय। और नाभि का बेटे थे वृषभदेव, तो ये सब किधर आता है, देखो प्रियव्रत, अग्निध्र, नाभि। और नाभि बहुत बड़े भक्त थे, अग्निध्र थोड़ा, देखो ये जो प्रियव्रत महाराज है ना, उनका चेतना थोड़ा सा विचलित हो गया था, और तब भी उन्होंने पत्नी का संग किया, और तब भी ये अग्निध्र पैदा हुआ। और वो जाके डिस्को में जाके जप कर रहा था, ऐसा बोल सकते, मतलब गंधमर्दन माउंटेन पे जाके उधर तपस्या करने का, क्योंकि उसका इच्छा क्या था, स्वर्ग जाना। कर रहा है तपस्या किसके लिए, स्वर्ग जाने के लिए, और उधर जाके कर रहे तपस्या। उधर क्या अप्सरा आए आके तपस्या करने देंगे? लेकिन यही प्रॉब्लम है, रिनंसिएशन किया उसने लेकिन वो गलत था। तो अग्निध्र, लेकिन वो बहुत ही धार्मिक राजा था, राजा बहुत अच्छा था, उसका गुणगान भी आता। और नाभि महाराज बहुत ही भक्त, बहुत बड़े भक्त थे उनके। देखो इनको पता था भगवान कौन है। देखो अत्रि मुनि ने प्रार्थना किया कि भाई आप कृपया, आप मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। क्यों चाहता हूं, क्योंकि मैं फेमस हो जाऊंगा। तो लेकिन आपके जैसा, उनको पता नहीं था भगवान कौन है। तो तीनों आ गए, और फिर तीनों ने दत्तात्रेय दिया, सोम दिया और दुर्वास मुनि, ये 3 प्रकट हुए। लेकिन नाभि ने भी ऐसा ही इच्छा प्रकट किया ब्राह्मणों से कि भाई मेरे को भगवान मेरे बेटे होके चाहिए। लेकिन वो पूरे भक्तिमय भाव से, उनको स्पष्टता से पता था भगवान कौन है, इसलिए भगवान प्रकट हुए वृषभदेव। तो ये अंतर है, देखिए वो स्पष्टता से जानते हैं।
भगवान ऋषभ देव पटक उठे और फिर ऋषभ देव, तो वो स्टोरी आता है चौथे अध्याय से। और ऋषभ देव ने हमने पूरा वर्णाश्रम सिस्टम से गए, वो ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहे, फिर गृहस्थ आश्रम में रहे, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, फिर परमहंस। संन्यास के परे भी क्या होता है, परमहंस, वो भी उन्होंने किया, वो सब उन्होंने दिखा दिया सही करना चाहिए। तब भी इंद्र ने प्रॉब्लम किया था, वो गोवर्धन लीला में बहुत सारा बारिश किया था बराबर, इधर इनके अजनाब वर्ष में बारिश ही नहीं किया इंद्र ने, तो फिर ऋषभ देव ने उनको ये सिखाया, खुद ने बारिश करा क्योंकि तो भगवान है वो, इंद्र को पता चला रही भगवान। तो वैसे काफी सारी लीलाएं है ऋषभ देव की इसमें। और फिर ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। जैसे हिंदू, हिंदू जैसे महान भक्त देवता है जैसे, उनकी आंखों के आगे भी पता चल चल जाता है कि भाई जो सामने वाले को देखे कितनी देखते हैं भगवान है कि नहीं है। माया बहुत शक्तिशाली है ना, प्रभु भूल जाते हैं ना प्रभु जी। देखो गोवर्धन लीला हुआ है और 10 मिनट बाद पारिजात भगवान से लड़ रहा है, 10 मिनट भी नहीं हुआ, 10 मिनट अपने लिए बहुत कुछ हो गया, उधर ज्यादा समय नहीं हुआ और भगवान से लड़ा, और उनके घर पे आके होम डिलीवरी कर रहे आदित्य को, आपका कुंडल लो, वरुण जी को बोल रहे आप छाता ले लो, ये सब दे करके सत्यभामा बोल रही थी भाई मेरे को पारिजात चाहिए, तो वो बोले ठीक है ये पूरा ट्री ले लो अपना ही, तो वो लेके जा रही थी। इंद्र को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन क्या किया सची ने बोला यार ये मेरे गार्डन का कैसे लेके जा सकते, तो वो तभी बोलो ये बहुत गर्व किया उसका। तो ये प्रॉब्लम भूलना बहुत आसान है पूरी, 14 लोगों में सब जगह ही माया का प्रभाव है। हाँ और उधर तो बहुत ज्यादा है और इधर भी है प्रभु, इधर भी है, हम भी बहुत बार भूल जाते हैं किससे, अभी बड़े बड़े प्रभुपाद को भी अपराध किए, अभी के गुरु महाराज को भी अपराध करते हैं ना शिष्य लोग, बिड बैग ले जाते हैं और कुछ उन्होंने आदेश दिया वो कर नहीं पाया और गुरु महाराज थोड़ा डांट देते तो उनको बीड्स दे देते वापस, तो सब भूल गए पहले सब श्रवण किया था, तो माया का ढक देती है ना वो, ढका मतलब क्या दिखता ही नहीं आपको, और वही अपराध है। अपराध मतलब क्या, आध्यात्मिक चीज को भौतिक देख लिया, ये है अपराध का सार, आध्यात्मिक चीज को भौतिक चीज देख तब भी अपराध चालू हो गया, फिर वो सेवा अपराध हो, वैष्णव अपराध हो, नाम अपराध हो, धाम अपराध हो, जीव अपराध, वो क्या है हम भगवान के संपर्क में नहीं देखे तो फिर हम गलत व्यवहार करते अपराध होते, तो ये प्रॉब्लम, तो माया का काम ही वो है, तो वो करती है उसका। तो ऋषभ देव के 100 बेटे हुए, फिर भरत महाराज उसमें लीडर थे तो उनको बिठाया और फिर ऋषभ देव ने बहुत अच्छा शिक्षा दिया 5वें अध्याय में, जो बहुत प्रभुपाद जी उद्धृत करते थे। और फिर उनके 100 बेटे में से सबसे बड़ा बेटा कौन सा था, भरत महाराज, तो वो भी इतना अच्छा भक्त था, लेकिन उसका भी क्या समस्या हुआ, गया सब छोड़ छाड़ के, जैसे एक सुबह कोई मल त्याग देता है वैसे बहुत अच्छा सब त्याग करके गया, लेकिन उधर जाके तो उनका भी जो ये वैराग्य है वो सही नहीं था, मतलब क्या बोला जाए उनके संग भी नहीं था, साथ में कोई होना चाहिए ना, प्रभु आप कहाँ भाग रहे हो ज्यादा ना, वो अकेले थे, प्रेरणा चाहिए ना वैराग्य कंटिन्यू करने के लिए, ऊपर प्रेरणा चाहिए भाई ऊपर जाना है, तो वो अकेले थे, रो रहे थे भगवान के लिए, लेकिन वो हमको सिखाने के लिए, वो योग माया के प्रभाव में, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर बता दे ये गलती उनका नहीं है, ये सिखाने के लिए करवाया गया, जैसे परीक्षित महाराज का करवाया गया, तो ये बताते हैं आचार्य हमको सिखाने कि भाई संत रहो। और फिर बाद में ये भरत महाराज का पूरा स्टोरी है बड़ा बराबर, वो तीन उनके जीवन, वो हिरण बने, फिर जड़ भरत बने, और फिर जड़ भरत रघुगण को बताया अरे इतना गर्व मत कर, तू तो इतना छोटा का राज्य सुवीर प्रिंस का राजा है, मैं तो पूरा पूरा ये जम्बूद्वीप का राजा था, लेकिन देखो क्या हो गया, तो आप महत्पाद रजोभिषेक वही है, और फिर गया राजा का अच्छा स्टोरी, और लास्ट में तो ये जो अध्याय है 15 तक वहां क्या बताया भाई,
आंतरिक नियमों का पालन कीजिए, जहां भी आप हो वहां के नियमों का पालन कीजिए तो आप आगे बढ़ेंगे। तो अभी व्यवहारिक स्तर पे हमें समझना चाहिए, वानप्रस्थ स्तर पे वानप्रस्थ के नियम के पालन करने का हमने कोशिश करना चाहिए कि फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, धृतराष्ट्र जैसा होगा। जहां भी है वहां का पालन, तो ये 15वें अध्याय में यही सब बताया अलग अलग इससे। और अगले 16 से लेकर 26 11 अध्याय में क्या बताया, 14 भुवन, फिजिकली उसका डिस्टेंस क्या है, उसका नाम क्या है, उधर क्या क्या है, उधर इतना बड़ा जम्बू का नदी है, उसका फल गिरता है तो आम का जूस बहता है, इतना सब ये 14 भुवनों का वर्णन है, और कैसे उधर सभी जगह पे भगवान का पूजा होता है वो भी बताया। तो ये सब कहाँ से, 16 से लेकर 26। तो ये दो विषय है देखा आपने, एक 14 भुवनों का वर्णन और वहां के नियम, मतलब नियम आंतरिक नियम का पालन करना चाहिए, ये दोनों चीज यहाँ पे बताया। तो पहले अध्याय में वो प्रभुपाद जी का फेमस श्लोक है कि भाई सुअर जैसा भौतिक भोग में मत लगिए, तपस्या की, लेकिन दिव्य तपस्या की, तपो दिव्य पुत्र का, वो इधर ही आता है पहला श्लोक है। मतलब कौन सा दिव्य तप कीजिए, हिरण्यकशिपु जैसा स्वार्थी तप मत कीजिए। वो अग्निधर करने के लिए गया था, तप करने के लिए गया, लेकिन इच्छा क्या है उसका, भौतिक इच्छा, कुछ फायदा नहीं। इसलिए इधर इंग्लिश क्यों दिख रहा है सब कुछ, हिंदी दिखना है। हिंदी दिख रहा है, ये हिंदी है। ये देख लिया, करेक्ट, ये सब देख लिया, इसको भी थोड़ा लोड आ गया, गोल घूम रहा है, आएगा। शुद्ध भक्ति का अक्षय सुख पाने के लिए दैवी तपस्या है, कौन सा भी तपस्या स्वार्थी मत करे। तो इधर क्या किया है, मिथ्या या समय पूर्व त्याग, मतलब क्या, ऐसा वैराग्य जो परिपक्व नहीं है और नहीं तो झूठा है, इसको इधर हतोत्साहित किया गया कि भाई गलत वैराग्य धारण मत करो। जो और उसका ही सब स्टोरी है ना प्रियव्रत महाराज का, मैंने बताया प्रियव्रत महाराज ने अच्छा सेवा कब किया, जब वो गृहस्थ आश्रम ग्रहण की, और उन्होंने ऐसा बनाया वो कोई नहीं बना सकता, क्योंकि उनका नेचर वो था बराबर। तो वो है अकल्पनीय कृत्य किया उन्होंने जो कोई नहीं कर पाया। फिर अग्निद्र का मैंने बताया, गलत जगह पे गलत भाव से तपस्या कर रहे हैं, तो वो वैराग्य सही है क्या, राज्य छोड़ के गया हो लेकिन वो गलत अपरिपक्व वैराग्य। लोग जाने के लिए तपस्या करते जा रहे थे। हाँ तो ये गलत वैराग्य है ना, राजा क्षत्रिय है उसने कंटिन्यू करना चाहिए, तो वो तपस्या करने गया और किधर गया, गंध मदन माउंटेन, लोग क्योंकि उसका जब सृजन हुआ तभी उसके फादर का चेतना थोड़ा गलत था, इसलिए गर्भाधान कितना जरूरी है सोचिए। सूक्ष्म ये आचार्य प्रोपा जी लिखे, ऋषभ देव के पुत्र, तो वो देखिए आप 100 पुत्र थे, अलग अलग पुत्र अलग अलग बने, 9 बने नव योगेंद्र परमहंस, एक बना क्षत्रिय और 80 थे ब्राह्मण। तो देखिए एक फैमिली में अलग अलग पैदा हुए बराबर, के एक फैमिली में, तो जन्म से वर्ण होता है ऐसा बिल्कुल नहीं, आश्रम भी वैसा नहीं, स्पष्ट है। और फिर क्या, अर्हत राजा, हम सबने अभी इधर जैन कोई है तो माफ कर दीजिए, लेकिन भागवत में बोला है, तो ये परमहंस का वेश जब ऋषभ देव ने धारण किया और वो घूम रहे थे नंगे, लेकिन ऋषभदेव परमहंस स्तर पे थे जैसे सुखदेव गोस्वामी घूम रहे हैं, हाँ लेकिन एक अरहत नाम का राजा था, उन्होंने उनको देखा और बाहरी रूप से उनका फॉलोअर बन गया, और उससे सबसे बड़ा ये जैनिज्म आ गया। तो
तो ये देखिए गलत वैराग्य का परिणाम जो आज तक चल रहा है। लेकिन वो ऋषभदेव का पांचवा अध्याय पढ़िए, वो बोलते वो नहीं समझे। ऋषभदेव को मानते हैं लेकिन ऋषभदेव की नहीं मानना, उनका शिक्षा मानना चाहिए ना, लेकिन उनका वही मानते हैं और वो डेविएशन है। उनका संस्कृति अच्छा है लेकिन स्पष्टता नहीं है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा नास्तिकता है। जैनिज्म इज कवर्ड बुद्धिज्म। तो ये आया कहाँ से? बाहरी रूप से वैराग्य का आचरण करके। सोचिए इसका प्रभाव अभी तक है, तो कितना महत्वपूर्ण है कि भाई हम आचार्य की शिक्षाओं को फॉलो करें, ना कि उनकी जीवनी। हम जीवनी फॉलो करेंगे मर जाएंगे। प्रभुपाद जी जो करते थे वैसा कोई करने लगेगा तो क्या होगा? प्रभुपाद जी ने क्या बोला है वो करना चाहिए। ये है, नहीं तो क्या डेविएशन चालू करो। तो वो अनुकरण किया बाह्य रूप से और उनका शिक्षा है वो नहीं किया। तो वो सब, और फिर भरत महाराज बिना किसी संगति के अकेले में जंगल में संन्यास लिया और फिर उधर से गिर गए। लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की, ये भी दिखाया भगवान ने अपना नियम दिखाया। और फिर ये सब तो कथाएं हो गई, सबसे बड़ा उपदेश क्या है रघुगण को दिया है कि भाई राज्य में रहते हुए कैसी प्रगति करें। तो उसके लिए उन्हें फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट ऐसा बहुत अच्छा अध्याय बताया, 9 से लेके 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है रघुगण, जड़ भरत की शिक्षा है। देखो कपिल की शिक्षा है तब भी हुई, अभी रघुगण की शिक्षा है, सॉरी जड़ भरत की शिक्षाएं हैं। और उसमें मन के बारे में सबसे बड़ा वर्णन है 12वें अध्याय, क्योंकि ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। हम हमारे मन को नियंत्रण नहीं कर सकते, इसलिए खुद को तकलीफ देते हैं और दूसरे को तकलीफ देते हैं, बाकी कुछ इसलिए वो बताते हैं। तो ये जड़ भरत को उपदेश देते हैं थान में। और फिर दूसरे पार्ट में क्या बताया? 14 भुवन। तो वो आप देख सकते हैं, ये चित्र है, ये 14 माले का बिल्डिंग है। भक्ति चारू महाराज बोलते हैं कि 7 माले जमीन के नीचे है और 7 माले जमीन के ऊपर है। तो जमीन बिल्डिंग से बाहर निकलना है तो कहाँ आना पड़ेगा आपको? यहाँ पर पृथ्वी मिडल में आना पड़ेगा ना, बाहर निकलना है। स्वर्ग में रहोगे तो भी, इसलिए वो लोग यहाँ का इच्छा करते हैं, वो यहाँ ही प्रार्थना आता है। वो परसों में बोल रहा था ना अतिशय इंद्रिय उत्सवात, और ऋषिमान रेवतीपति को बता रहे थे कि स्वर्ग में क्या प्रॉब्लम है भक्ति करने का, कि बहुत सारा भोग। तो वो ऊपर जानते लेकिन जाने नहीं चाहते, तो वो नीचे आना चाहते हैं। भाई भारतवर्ष में हमारा जन्म हो गया, इससे बाहर निकल सकते हैं इजीली, ग्राउंड फ्लोर लिफ्ट का भी जरूरत नहीं, बाहर ना सकते। तो ये यहाँ पर ये पूरा है, देखो ये पृथ्वी लोक है, उसको भूलोक बोलते हैं, जम्बू द्वीप भी बोला जाता है, ठीक है, बीच में है आप देख रहे हैं। तो उसके नीचे क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, और पाताल के बाद में एक पितृलोक है और नरक है, ठीक है। और ऊपर क्या है? ऊपर 6 है, भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक। भू मतलब यही भूवर और स्वर्ग है, और उसके ऊपर 4 ऊपर वाले हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, जहां पर ब्रह्मा जी रहते, और वो सूक्ष्म है। और जो बीच वाले है प्लेनेट, जिसको हम 3 जगत बोलते हैं ना, तीना स्वामी तिनी जगत आई बिना भिखारी सब। तो 3 जग मतलब ये भू भू स्व। तो ये ब्रह्मा जी के हर एक दिन में उनका संहार होता है, ऊपर के 4 का नहीं होता। ऊपर के 4 ब्रह्मा जी के जीवन काल तक टिकते रहते, तो वो बहुत सूक्ष्म है। और ये क्या है? सूक्ष्म और स्थूल दोनों है, और नीचे वाले बहुत ही स्थूल है जो नीचे है। और फिर अभी ये हो गया साइड व्यू ना, आपका साइड व्यू हो गया है एक ब्रह्मांड का। साइड से देखेंगे तो ऐसा 14 भुवन दिखेंगे आप, और ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? हाँ वो बदलता हूँ, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा वो दिखा रहा हूँ आगे। ये है, अगर जम्बू द्वीप को आप ऊपर से देखोगे तो 7 द्वीप दिखेंगे। ये बनाए किसने? प्रियव्रत महाराज, अपने रथ के पहियों से ये जम्बू द्वीप का उन्होंने ये बनाया, उसके पहले एक ही था। तो ये सब आप यहाँ सब ये है, प्लक्षद्वीप, शालीमाल द्वीप, कुशाद्वीप, करौंद द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप इत्यादि, और बीच में जो है
वो है जम्बूद्वीप, जहां पर हम रहते हैं। जम्बूद्वीप में भी 9 वर्ष है, देखो राइट साइड में उसको जूम किया है, 9 वर्ष है उसमें। उसका भारतवर्ष सबसे निचला हिस्सा भारतवर्ष है, और उसमें भारत खंड है इतना सा। तो हमें ये जानकर पता चलता है कि हम कितने सूक्ष्म हैं, और नम्र बनना बहुत आसान है। देखो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और हम इतने छोटा है, जगह इतना छोटा, उसमें हम छोटे हैं। तो तमाम कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी बताएगा, तो ये चीज। तो ये ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो जान करके क्या होता है, हमें नम्रता प्राकट होती है। ये प्रभुपाद जी एक बार बोस्टन में शायद तमाल कृष्ण महाराज को बता रहे थे, जो बोस्टन के शायद टेम्पल प्रेसिडेंट या कमांडर थे, और शायद प्रभुपाद जी ने कुछ उनके हृदय में कुछ गंध किया, और वो बता रहे थे कि देखो महाविष्णु से इतना सब आता है, वो ब्रह्मांड में इतने सारे ये है, इसमें ये भारतवर्ष है, उसमें एक अमेरिका खंड है, उसमें एक छोटा जगह है बोस्टन, बोस्टन में भी बहुत सारी बिल्डिंग है, उसमें एक छोटा सा जगह है इस्कॉन का मंदिर, और उधर एक तमाल कृष्ण सोचता है मैं सबका नियंत्रक हूँ। ऐसे उनको बताया ना, तब भी उनका पूरा आँख खुल गया कि मैं बहुत सूक्ष्म हूँ। तो ये है पांचवा इसका। इधर हमें पूरा डायमेंशन बताया जाता है इसका, 500 योजन का उसका अंतर का डायमीटर है ये आंतरिक, और बीच में मेरु पर्वत है, ये सब इसका सब वर्णन है। तो हाँ, तो इसका पर्पस वापस देखिए, ये पर्पस क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो 9 वर्ष है ना, अभी देखो मैंने भारतवर्ष, ये राइट साइड का जम्बूद्वीप देख रहे हैं आप, जम्बूद्वीप तो ये बीच वाला द्वीप है जो हाँ हम रहते हैं, मतलब हम मतलब भारतवर्ष से सबसे निचला वाला उधर हम रहते हैं, तो सब लोग उधर आना चाहते हैं बाकी सब लोग, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कर्म भूमि है और इधर से हम बाहर निकल सकते हैं बहुत आध्यात्मिक जगत के, बाकी सब भूमि किसका है, वहां पर जाके आप भोग कर सकते जितने वर्ष बाद ऊपर देखो होगा कि सब। सारे वर्षों में भोग किम करेंगे। पुरुष वर्ष, उसको ना ये स्वर्ग बोला जाता है, भौम स्वर्ग बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर है ना जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में ही स्वार्गिक अनुभव है, इसलिए उसको भौम स्वर्ग बोला जाता है। और एक दिव्य स्वर्ग है, वो देवता रहते हैं उधर, और एक बृहद स्वर्ग है नीचे। तो ये सब भोग की जगह है, आप कमाइए और जाइए, भोग करके वापस आना पड़ेगा, तो ये बात है। इसलिए भारतवर्ष का गुणगान, जो कल का जो श्लोक लिया था श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रभु ने, वो यही स्कंद का था श्लोक, नया यही सेक्शन का श्लोक था जो अगला स्लाइड इस। जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो जम्मू-द्वीप के जो राजा थे, युधिष्ठिर महाराज थे, परीक्षित महाराज ये थे, सारे 14 लोगों के जा सकते पूरे 14 लोगों का शासन इसलिए हनुमान जी वो किम पुरुष वर्ष के थे ना बोला गया, कोई किन्नर थे, तो वो सब आए थे रामायण के वक्त, किम पुरुष वर्ष वाले। और बीच में हिमालय है, अलग अलग पर्वत है, उनसे बाउंड्री किया हुआ है, नेचुरल बाउंड्री, बहुत बड़े बड़े पर्वत है, वो सब डायमेंशन दिए हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है इधर प्रभु जी, कि भारत भूमि कितनी भाग्यशाली है ये जानने के लिए सब बताया। तो वहां क्या बताया है, देखो विभिन्न वर्षों में विभिन्न अवतारों की पूजा की जाती, तो प्रहलाद महाराज एक जगह पे नरसिंह देव का पूजा करे, हनुमान जी दूसरी जगह पे राम जी का पूजा करे, ऐसे सभी जम्बूद्वीप के वर्षों में भगवान का पूजन होगा, ये बताया। हमारा महान भाग्य क्या है कि भाई भारतवर्ष में जन्म हुआ है हमारा, प्राय सबका ये कर्म भूमि है, यहाँ धर्म परायणता अर्जित कर सकते, ये महत्व है। बाकी जगह पे क्या है, आप कर्म करो और पुण्य कमाओ और भोगने के लिए उधर जाओ, हाँ, और फिर वापस इधर आ जाओ, लेकिन भगवत धाम तो नहीं जा सकते, वो इधर से जाना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति इधर करना बहुत आसान है, इसलिए तुलसी महारानी ने इधर आके तपस्या किया था भारतवर्ष। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, पहले भारतवर्ष तो पूरा लंबा था बड़ा, भारतवर्ष
अफगानिस्तान क्या युधिष्ठिर महाराज की तरफ तो उसके भी परे था, लेकिन क्या हो गया कलयुग जैसे आने लगा वैसा हमारा भारतवर्ष, मतलब क्या जहाँ भगवान के संस्कृति का पालन होता है, तो अभी भारत के अंदर भी भारतवर्ष नहीं नहीं है। ये समझिए कि जहां भगवान के विधि विधानों का पालन होता है वो है भारतवर्ष तथ्यम। तो अभी तो प्रभुपाद जी ने ऐसे बनाए कि बाहर वाले लोगों के अपने संस्कृति के ऊपर श्रद्धा है लेकिन अपने वाले लोग नहीं करते, तो जहां भी उसका आचरण होता है वो है भारतवर्ष। तो भी जहां पर भगवान ने लीला किया उसका पवित्र है, ऐसा नहीं कि जगह का महत्व तो कम हो गया, वो नहीं, जगह का महत्व तो भी है। तो जहां हम भगवान के नियम का पालन करके आंतरिक रूप से सुधार करके आगे बढ़ सकते, तो 19 ये श्लोक दिया है, ये आप नोट करके पढ़ लीजिए, 5, 19, 21 से 29। आपको कृतज्ञता होगी, अरे मैंने इधर जन्म लिया है कितना भाग्य है, तो ये पढ़ सकते। तो ये तो उच्च ग्रह और निम्न ग्रह, यहाँ पर सब भोग होता है और ये सबसे बड़ा इधर का हमें क्या सीखना है 5वें स्कंध से, वो ये स्लाइड है। तो निष्कर्ष डायरेक्ट देखिए, ये सब ऊपर का सब बताया, आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कि शुरुआत दिन में क्या होता है भक्ति में, कुछ समस्या हो जाता है तो हम क्या करते हैं भाई, जगह बदलो, सेवा बदलो, अथॉरिटी बदलो, मंदिर बदलो, लेकिन वो बदल के कुछ नहीं होने वाला। परिस्थिति स्थिति बदलने का कोशिश मत करो, मनस्थिति बदलने का कोशिश, चेतना बदलने का कोशिश, ये बताया जाए। और क्या है, जहां आप जैसे एक स्थूल उदाहरण देता हूं जिससे पता चले, अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है लेकिन उसका मन ज्यादा दौड़ रहा है बाहर, और वो आंतरिक रूप से पूरा चिंतन कर रहा है लेकिन बाहरी रूप से इधर रहना चाहता है, तो क्या होगा, वो सही जगह नहीं है उसे। उसने अच्छा है भाई प्रामाणिकता से शादी कर लो और उधर जाके अच्छा नहीं है, विधि विधान का पालन करो गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ, कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं वो बहुत ज्यादा निरासक्त होते हैं, मतलब राधेश्याम पौर बहुत वरिष्ठ भक्त बोलते हैं कि कुछ ब्रह्मचारियों को गृहस्थ जैसा चेतना होता है और कुछ गृहस्थों को ब्रह्मचारी जैसा, ये दोनों गड़बड़ है। क्योंकि क्या है, वो अपना नियम, उसका नियम पालन करना चाहिए ना, जहां वो है वो करना चाहिए, सिर्फ नॉट आउट रहना वो गड़बड़ है। नहीं तो अरे गृहस्थ तो बोलता है नहीं अभी मैं आना सकत रहना, अरे लेकिन आपके बच्चे हैं भाई, उसका ध्यान दो, नहीं मैं धाम पे जाऊंगा महाराज का सेवा करूंगा, नहीं वो सही नहीं, वो लिया है उसका उत्तरदायित्व तो लेना है, उधर उससे शुद्धिकरण हो, वहां का नियम का पालन करना चाहिए। नहीं तो इधर समस्या में मंदिर बदलता हूँ, अरे मंदिर बदल के उधर वही समस्या आएगा, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, समस्या अंदर है, वहां का नियम पालन करेंगे तो आगे जाएंगे। इसलिए जहां भी है जैसे वानप्रस्थ है उसके पास जाना चाहिए हमें, वहां पर जो अपेक्षित है उसके पास जाना चाहिए हमें, तो फिर भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर क्या, तो वही लिखा है कि भाई हम समय से पहले कूदना चाहते हैं, हाँ मैं वृंदावन में जाके ये करूंगा, अरे भाई शुद्धिकरण करना है, अब भी कहाँ हो वहां का नियम पहले पालन करो और फिर आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाओ, सिर्फ बाहरी रूप से मत रखो ये बिल्डिंग, आंतरिक रूप से क्या चिंतन है, इसलिए भगवान बोलते हैं ना क्लियर कट, तो वही बोला है नियोफाइट अपनी स्थिति को बाहरी रूप से बदलने की कोशिश करता, कुछ समस्या होता है चलो दूसरी जगह पर, और वैसा डाइवोर्स क्या है वही है ना, शादी दोनों कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को शुद्ध करो, दोनों शुद्ध हो जाएंगे, नहीं डाइवोर्स दूसरा करेंगे, दूसरा क्या, तो वही प्रॉब्लम। और तो सब जगह पे आता है, भगवान का सिस्टम थरो है, सबको शुद्ध करता है, बाहरी रूप से अपना स्थान बदल के, बल्कि बदलना नहीं चाहिए बल्कि आंतरिक रूप से विकसित होने का प्रयास करें, मनस्थिति को बदलने का कोशिश कीजिए, सिर्फ परिस्थिति का नहीं, स्थिति और परिस्थिति इसको मत बदलो, मनस्थिति क्या, मेरा चिंतन क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मेरा विचार क्या है, एंगेजमेंट क्या, यदि हम भीतर विकास करते बिना हम स्थान बदलने का प्रयास करेंगे
तो कष्ट सहते हुए हमारा मतलब कष्ट तो करेंगे, बाद में क्या होगा, पतन भी हो जाएगा बताओ। कष्ट, और हम भी कष्ट करेंगे और दूसरों को भी कष्ट देंगे, क्योंकि हम अकेले थोड़ी रहते, ब्रह्मचर्य आश्रम में अकेले थोड़ी रहते, गृहस्थ आश्रम में अकेला होता है क्या, उसका प्रभाव पड़ता है ना सबके ऊपर, तो वो प्रॉब्लम। तो निष्कर्ष क्या है पढ़ लीजिए। अपनी मनोभौतिक प्रकृति को पहचान कर हमें बाह्य रूप से स्वयं को उचित स्थिति में स्थापित करना चाहिए और उस स्थिति के नैतिक नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, आंतरिक रूप से प्रगति करने के लिए। हाँ, और नियम का पालन भी आंतरिक रूप प्रगति करने के लिए करना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए, शुद्धिकरण करने। तो ये पांचवा स्कंध है, यहाँ पर बताया जा रहा है भाई, छद्म वैराग्य या अपरिपक्व वैराग्य नहीं करना चाहिए। इसलिए सब स्टोरीज है भरत महाराज से लेकर के सब, ठीक है। तो छेवा स्कंध फटाक से देख लेते हैं। तो छेवा स्कंध का क्या परिभाषा दिया है इन्होंने, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने, पोषणम तद अनुग्रह। तो इसका वर्णन मैंने किया, चित्रकेतु, अजामिल और इंद्र, ये सब भक्त है, तो उनका भगवान ने संरक्षण किया जब उन्होंने थोड़ा गलती की, ठीक है। तो ये बात है, भगवान सर्वोच्च व्यक्तित्व की सुरक्षा या उनके अहित की दया, तद अनुग्रह उनके भक्तों के लिए है, सिर्फ ये सबके लिए नहीं, सबका पालन के लिए ब्रह्मा जी ने घर बनाया, सब नियम विधि विधान बनाए, लेकिन उनमें भक्त रहते, उन्होंने कभी नियम का उल्लंघन कर भी दिया तो भगवान खुद आके उनको संरक्षण, लेकिन कैसा संरक्षण करते हैं वो क्या दिखाता है, ये छेवा स्कंध का सार है, मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति में अंतर, क्योंकि मिश्र भक्ति तो चित्रकेतु ये बताया मैंने आपको, बराबर, तो वृत्रासुर लीला है। तो यहाँ पर हम सब सबक कैसे सीख रहे हैं, संघर्ष हो रहा है, तो तीसरे स्कंध में किसका संघर्ष हुआ, हिरण्यक्ष और वराहदेव का संघर्ष, चौथे स्कंध में दक्ष और शिव जी का संघर्ष हुआ, पांचवे स्कंध में प्रियव्रत प्रियव्रत महाराज, भरत भरत महाराज का आंतरिक संघर्ष हुआ, कि थोड़ा आंतरिक संघर्ष था उनका, भरत महाराज क्योंकि वो 3 जन्म लिए, आंतरिक संघर्ष किए। इस प्रकार हम संघर्ष से सीखते हैं सबक, हमारे जीवन में भी सीखना चाहिए। तो यहाँ पर कौन से संघर्ष है, छेवे स्कंद में यम सबसे बड़ा झगड़ा पहले कहाँ हुआ, विष्णु दूत और यम दूत, बराबर। बराबर, पूरा वाद विवाद है, तो उससे क्या सीखते हैं हम, देखेंगे। और क्या है, नारद और दक्ष, दक्ष के पुत्रों को उन्होंने 1000 10000 पुत्रों को बनाया, फिर 1000, फिर वापस घर पे गया तो उन्होंने श्राप दिया, वो ये झगड़ा है, संघर्ष है कि नहीं। और फिर वित्रासुर और इंद्र, ये सबसे बड़ा वर्णन है, इंद्र कौन है, भक्त है, वित्रासुर बाहरी रूप से कौन दिखता है, असुर असुर, दिखता है लेकिन कौन है, शुद्ध भक्त। भक्त, और वो शुद्ध भक्त लेक्चर दे रहा है इंद्र को जो मिश्र भक्त। तो यहाँ पर बहुत ही गहराई से शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन हुआ है, और कैसे मिश्र भक्ति बहुत जोखिम वाली है, बहुत खतरे वाली है, और बहुत ही अयोग्य है करने के लिए, क्योंकि ये भौतिक जगत में सड़ते रहेंगे हम, यही बताया गया है। वही वित्रासुर इंद्र को बोलता है कि भाई तू मुझे मार दे जल्दी, तू इधर सड़ और मैं भगवत धाम जाऊंगा, हालांकि ऐसा टोन में नहीं बोलता हो, लेकिन ऐसा श्लोक है, प्रभुपाद जी लिखे, रॉट इन द मटेरियल वन, सॉरी। तो ये है शुद्ध, और इंद्र और दिति का कंपटीशन भी है, दो भक्तों का कंपटीशन एक दूसरे को मारने का, तो ये मिश्र भक्ति है। मिश्र भक्ति में क्या होता है, बहुत सारा कंपटीशन होता है, क्योंकि उनको चाहिए नहीं है, भगवान का इच्छा शुद्ध नहीं है, बाकी सब इच्छा है। तो अभी ओवरव्यू देखेंगे पहले क्या है, तो पहले 3 अध्यायों में इसका वर्णन है, सब जानते हैं, बराबर। बाद में क्या है, दक्ष का बहुत अच्छा प्रार्थना है, हमसे वही प्रार्थना आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे क्या शुद्ध प्रार्थना है भाई, लेकिन ये गा कौन रहा है, दक्ष, जिसको शुद्ध इच्छा बिल्कुल नहीं, उसको शक्ति चाहिए प्रोजेनी क्रिएट करने की। तो भगवान पैदा होते बोलते, अरे तेरा इच्छा और मेरा इच्छा मैच हो रहा है, ये ले पत्नी और कर भोग, ये आपको अच्छा सहयोग करेगी, और मेरा भी इच्छा है कि प्रोजेनी बढ़े, तो ठीक है तू कर ये, तो ये प्रार्थना तो बहुत अच्छा बोल रहा है,
लेकिन इच्छा अलग है। वैसा ही फिर बृहस्पति, और फिर ऐसा मिश्र भक्त क्या करता है, गुरु की अवहेलना करता है। वो कौन करता है, इंद्र बृहस्पति को अपमानित करता है। तो ये और एक प्रॉब्लम है मिश्र भक्ति कि वो गुरु को भी अपने लिए इस्तेमाल करने का कोशिश करता है। लेकिन शुद्ध भक्ति का मेन चीज है गुरु का भक्ति। तो ये पूरा बहुत बड़ा एपिसोड है जिससे इंद्र के जीवन में बहुत समस्या हुई। और वो क्या कर रहा था, बैठा था और अपना सेवा ग्रहण कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नया कुछ किया उसने, डेली उसका गुणगान होता है, लोग नाच करते हैं गुणगान करते हैं, वैसा चल रहा था। और जा रहे थे गुरु जी, लेकिन ये स्मरण नहीं कर पाया क्योंकि उपाधि है ना, मुश्किल है। हम कल को मेरे को भी उधर बिठाया ना, तो मैं तो 5 मिनट में गिर जाऊंगा उधर से। इसलिए इंद्र को दंडवत करना चाहिए हमें, क्योंकि हम बोलने के लिए बोल सकते हैं इंद्र गलती करता है, लेकिन इंद्र जैसा शक्ति हम किसी को भी दिया नहीं इधर, तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं मेरा तो बोल दिया, थोड़े सा एक वॉइस दे दिया तो इतना समस्या होता है। पूरा नियंत्रण दे दिया तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, एंड मैं तो मेरे 100% तुरंत गिर जाऊंगा इतना शक, क्योंकि बहुत ऊंचा भक्त है वो। लेकिन उसको क्या इच्छा है, मैं भगवान का सेवा करूंगा और थोड़ा भोग भी चाहिए, थोड़ा पोस्ट पोजिशन चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व लेता है। लेकिन समस्या इधर दिखाया जा रहा है भागवत में का, समस्या क्या होता है, बहुत बड़ा अपराध करता है वो, फिर बृहस्पति का अपराध करता है, फिर विश्वरूप को मार देता है, फिर उत्तरासुर को मारता है, सब गुरुओं को मार रहा है देखो। लेकिन क्या करेगा वो बेचारा, वही तो है ना ये। तो ये पूरा स्कंद है और उसके पीछे पाप लग जाता है। बाकी सब लोग खुश है और बेचारा इंद्र टेंशन में, उसके पीछे पाप लग गया क्योंकि उसने मार गया ना। बाकी सब लोग खुश हो गए, वित्रासुर मर गया मर गया, लेकिन इंद्र को प्रॉब्लम हो गया क्योंकि उसने गलती की। और बाद में फिर बड़ा कथा किसका आता है, उसके पिछले वाले लाइफ का, भाई ये चित्र की तो ऐसा भक्त कैसे है। तो फिर उसका पिछला लाइफ बना इसका वित्रासुर था। वित्रासुर इतना बड़ा चेतना कैसा है, 11वें अध्याय में उनका प्रार्थना है, तो परीक्षित बोलते यार ये कौन बंदा है, असुर की योनि में इसका चेतना इतना ऊपर कैसे हो सकता है, रजो तमो गुण में ऐसे कौन विचार कर सकता है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी बताते भाई ये नॉर्मल नहीं, इसका पिछला में बताते, तो पूरा चित्रकेतु का स्टोरी आता। तो फिर वो विशेष घटना शिव जी का, पार्वती उनको छाप देती है, वो दंडवत करके ग्रहण करते हैं, और अंतिम स्टोरी है वो दिति और इंद्र का। तो इंद्र वापस कुर्सी के टेंशन में, फिर सबसे पहला वो क्या करता है, अबॉर्शन। और फिर लेकिन वो भक्ति करती है इसलिए अबॉर्शन होता नहीं, फिर वापस करता है वो 7 के 49 हो जाता है, बाद में सब बाहर आ जाते हैं। और वो सब कहानी, तो ये मिश्र भक्ति है, उनमें क्या कंपटीशन होता है, कोऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि दोनों को भौतिक इच्छा है। दीति को, आदिति को भी भौतिक इच्छा थी कि भाई मेरे बच्चे सब रास्ते पे आ गए, भी उनको अच्छा करने के लिए ऐसा बच्चा आना चाहिए कि जो देवताओं को वापस लाए। इसलिए इंद्र टेंशन में आ गया, तो इंद्र आके उसको सेवा किया। तो ये देखो डुप्लीसिटस नेचर है पूरा, इंद्र आके बहुत अच्छा सेवा किया, लेकिन इच्छा क्या था कि गलती करेंगे तो अंदर जाके मार दूंगा, तो ये प्रॉब्लम। तो ये पूरे अध्याय में शुद्ध भक्ति का ये बताया, ये शुद्ध भक्ति का परिभाषा है आगे, तो थोड़ा अभी फंस जाएंगे, बाद में कीजिए माफ कीजिए, क्योंकि अपना समय का नहीं है, लिमिट है। तो देखिए ये अभी मिश्र भक्ति का डेंजर समझिए, मिश्र भक्त हमेशा भौतिक जगत में रहेगा और केवल भक्त शुद्ध भक्त भगवत धाम जाएगा, इसलिए खतरनाक है मिश्र भक्त, और वो हमेशा द्वंद्व में रहता है। और हमें शुद्ध भक्ति का जो शक्ति है ना उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि देखो ये जो यमदूत थे वो समझ नहीं पाए ना, उनको हरिनाम का पूरा सेमिनार दिया, किसने दिया, विष्णु दूत, लेकिन वो समझ नहीं पाए, तो ये प्रॉब्लम होता है।
वो बोलते हैं अरे हम लोग सब फॉलो करते हैं, क्या हरिनाम लिया ठीक है लेकिन उसने पाप कितना किया, हमारा हार्ड डिस्क जल गया पूरा। वो बोल रहे हैं अरे वो हार्ड डिस्क जल गया, उसके पहले पाप जल गया उसका, उसने हरिनाम लिया ना, लेकिन वो समझ नहीं पाया। तो मिश्र भक्ति कभी शुद्ध भक्ति का शक्ति को नहीं समझ सकता, इसलिए वो शुद्ध भक्तों को अपराध करता है। जैसे दक्ष नारद मुनि का अपराध करता है, वो बोलता है अरे आप साधु नहीं हो, मैं साधु हूँ, ये नारद मुनि को बोल रहे। तो इनका भाव क्या होता है, मैं भक्त हूँ, मैं वैरागी हूँ और आप सिर्फ बाहरी रूप से कपड़े पहने, ये नारद मुनि को बोल रहा है ये दक्ष। तो ये सब है मिश्र भक्त, वो सब है मिश्र भक्त को लगता है मैं भक्त हूँ, और फिर नारद मुनि शुद्ध भक्त को अपमान करता है वो, और व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए गुरु का उपयोग करता है, इसलिए गुरु का भी अनादर करता है। लेकिन शुद्ध भक्त के लिए गुरु ने जो बताया वो सबसे बड़ी बात है, बाकी सब बाहर, गुरु ने बताया वो करना। सही व्यवहार नहीं जानता, मतलब सही व्यवहार जानता है लेकिन आचरण नहीं कर सकता, ये और गुरु के प्रति ईर्ष्या बढ़ती रहती है। पहले बृहस्पति का अनादर किया, विश्वरूप को काट दिया, और पर तीनों गुरुओं को उन्होंने गड़बड़ की, तो ईर्ष्या बढ़ती है और अपमान होता है, पब्लिक अपमान होता है, ये ऐसे लोग पब्लिक में ह्यूमिलिएशन होता है, समझ रहे हैं, पब्लिक ह्यूमिलिएशन होता है, जैसे इंद्र का होता है, और बहुत प्रतिद्वंद्वता होती है। इसलिए ये 6, 11, 22 श्लोक क्या बताता है, वितरासुर बताते, देखो वितरासुर, इंद्र जी भगवान ने कृपा आपके ऊपर नहीं किया है, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना उसको ये सब नहीं देते, क्यों, ये ऐश्वर्य क्यों नहीं देते, क्योंकि ऐश्वर्य के 7-8 बच्चे हैं, वो कौन है देखो, शत्रुता, चिंता, मानसिक अशांति, अभिमान और जुझारूपन, ये सब किसका बच्चे हैं, ऐश्वर्य के। तो भगवान सच्चा कृपा देना है तो ऐश्वर्य नहीं दे, लेकिन आपको दे रहे हैं, आपको भगवान का कृपा प्राप्त नहीं है, आप इधर रहो, ऐसा लास्ट श्लोक है। इसके बाद चतुश्लोकी, इसलिए वो चतुश्लोकी है जो बहुत सुंदर प्रार्थना है, उसमें शुद्ध प्रेम का भाव बताया है उनके श्लोक में, जो क्या श्लोक है, अजात पक्षा इव मातरम खगा तन्यम यथावत् सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियवा विष्टं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वं, ये तीसरा श्लोक है। देखो ये जो वित्तरसु का चतुश्लोकी, ये सार है शुद्ध भक्ति क्या होता है, यहाँ पर बताया। तो ये शुद्धता क्या है, पक्षी अजात जो पक्षी है वो चिल्ला रहे खाना चाहिए खाना चाहिए मदर के लिए, तो वो वैसा मेरे का उत्कंठा है आपके लिए, भगवान आप जल्दी आ जाओ, इधर मेरे को कोई खा लेगा, औल खा लेगा, ऐसा निर्भरता है। लेकिन वो बोलता है अरे ये निर्भरता तो सही है लेकिन इसमें स्वार्थी है, इनको कुछ खाने के लिए चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, तो ये उदाहरण मेरा गलत है, मेरे को कुछ चाहिए माँ से। तो वो बोलता है नहीं, वत्स की तरह, जैसा वत्स है वो दूध पीने के लिए मदर का जो चरने के लिए गई उसका याद करता है और हमेशा चिंतन करता है, तो वो अच्छा उदाहरण है, क्योंकि माँ के अंदर का दूध ही उसको चाहिए। तो वो बोलता है हाँ ये उत्कंठा सही है, लेकिन बोलता है नहीं, इसमें भी सेवा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ग्रहण कर रहा हूँ। तो बोलता है ये भी उदाहरण गलत है, मेरे को एक पत्नी जो पति का राह देख रही है और उनका सेवा करने का आशा कर रही है और सोच रही कि मैं उनका कैसे संतुष्ट करूँ और आने के बाद संतुष्ट कर, तो ये पूरा सेवा भाव है, इसको बोलते शुद्ध प्रेम, उसमें उनको कुछ नहीं चाहिए सिर्फ सेवा कर। तो ये है हमें अपने दिल में मिश्रित भक्ति की ऐसी मानसिकता की उपस्थिति को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो 6वें स्कंध में हम क्या जानेंगे भाई, मिश्र भक्ति की मानसिकताओं को जानेंगे, वो क्या है, शुद्ध भक्ति के ऊपर विश्वास ना होना, अविश्वास, ईर्ष्या, प्रतिद्वंद्वता, स्वार्थ, ये सब होता है, मतलब क्या है, मिश्रण, नहीं तो क्या, शुद्ध भक्ति की शक्ति पर अपना विश्वास बढ़ाते हुए उन पर तुरंत अंकुश लगाने लगे, ये गलत भावनाएं आती है, तो इसलिए इसको भक्ति वैभव बोलते, मतलब शुद्ध भक्ति का वैभव प्रदान होता है 6वें स्कंद। और फिर 7वें स्कंद में, जब 5 मिनट में देख लेते हैं अभी, ये तो बोल दिया मैंने आपको ऑलरेडी।
तो ये पहले 6 स्कंद में ये हो गया। अभी 7वें स्कंद में क्या बताया जा रहा है, अभी इतना श्रवण करके आपको लगेगा अरे मेरे हृदय में इतना वासना है, भौतिक इच्छा है, तो मैं शुद्ध भक्ति कर सकता हूँ क्या, पात्रता है क्या शुद्ध भक्ति करने का। तो फिर 7वें स्कंद में उसका उत्तर है ऊती, बराबर, ऊती मतलब कर्म वासना। तो 7वें स्कंद का यही विषय है कि भाई वासनाओं से कैसे प्रस्तुत हो, क्योंकि हमारे पास है सबके पास, बराबर, क्यों, लेकिन उससे प्रस्तुत होना है, उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको फुलफिल नहीं कर सकते, बराबर, क्यों, उससे हमें प्रस्तुत होना है। तो वो 7वें स्कंद में दिखाया, और आप देखोगे सारांश क्या है, 7वें स्कंद में ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही स्टोरी है, क्या है, प्रहलाद नरसिंह का स्टोरी, और एक दूसरा है नारद मुनि वर्णाश्रम बताते। तो पहले अध्याय सबसे जरूरी है, उधर क्या है, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं नारद मुनि को, क्या भगवान पक्षपाती है, तो बिल्कुल नहीं, भगवान पक्षपाती नहीं है, उसका वर्णन है, और उसका वर्णन पूरा करने के लिए फिर ये स्टोरी होता है हिरण्यकश्यपु का, जो अभी चल रहा है, और फिर बाद में हिरण्यकश्यपु उनको मार देता है, हिरण्यकश्यपु को मारा जाता है, ये सब 1 से लेकर 10 तक, और 11 से 15 क्या है, नारद मुनि जो भक्ति शक्ति के प्रवर्तक है, शक्त्यावेश अवतार है, वो वर्णाश्रम के बारे में बोल रहे, 11, 12, 13, 14, 15, 5 अध्यायों में वो क्या बोल रहे हैं, वर्णाश्रम। तुम्हें वर्णाश्रम क्यों बताया भाई, तो शुद्ध भक्ति करना है तो दो चीज करना होता है, तो ये देख लेते हैं ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। तो ऊतयः कर्म वासनाम, ये है, क्या बोलते हैं इसको, परिभाषा, ऊति का परिभाषा क्या है, कर्म वासना, गतिविधि के लिए प्रेरणा, सकाम कर्म की इच्छा है। तो हर एक कार्य करने के लिए हमें अंदर कुछ पुश होता है ना, हमारा वासना हमको क्या करता है, अंदर से पुश करता है, ये करो ये करो ये करो, तो उसको बोलते हैं ऊति। तो उससे हैं, तो ये शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है हमें, तो कैसे कर सकते हैं, 2 रास्ते, एक क्या है, शुद्ध भक्त का संग, आसक्ति, और ये देखो क्या लिखा है, शुद्ध भक्त से संगति, सेवा और लगाव, आसक्ति, ये एक बहुत अच्छा पथ है, बहुत फास्ट है, जैसे नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को दिया। दूसरा, परोक्ष रूप से अगर शुद्ध भक्त का संग नहीं कर प्राप्त होता तो वर्णाश्रम का आचरण कीजिए, और जब ही शुद्ध भक्त का प्राप्त होगा तब उसके ऊपर जा सकते, तो वासनाओं से हमको निपटना पड़ता है, और ये मैंने पहले बताया था, अशुभा महत कोपात और शुभा महत अनुग्रह, तो हमारे हृदय में ऑलरेडी कर्म वासनाएं हैं, लेकिन अभी उनको गलत को बढ़ाना नहीं है और अच्छे को बढ़ाना है, तो गलत को बढ़ाना कैसे, नहीं, किसी भी भक्त को कुपित नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से महत लोग, कुपित किया, असंतुष्ट किया तो क्या होगा, हमारा गलत वासना बढ़ेगी। प्रभुपाद जी लिखे हैं, अगर बड़े वैष्णव का वैष्णव अपराध जब करता है आदमी, तो भगवान खुद अपने हृदय में भौतिक इच्छा का बीज बोते हैं, कौन बोता है बीज, भगवान, कब, जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तब भी भगवान अपने हृदय में क्या बोते हैं, भौतिक इच्छा का बीज बोते, ये डेंजर। और फिर अच्छा वासना कैसे लाए, महत अनुग्रह, महत लोगों को खुश करो, उनका अनुग्रह प्राप्त करो, तो ये सबसे बड़ा सीख है इधर, यही बताया इसलिए वैष्णव के साथ संवेदनाशीलता वर्णन व्यवहार करना चाहिए, कोई भी हो, एबीसी, पीडीसी, जीबीसी, कोई भी हो, क्योंकि भक्त है ना वो, तो भगवान नाखुश हो जाते, विशेष रूप से वरिष्ठ या महत लोगों से, लेकिन सभी भक्तों से, क्योंकि उनका कृपा कब प्राप्त होता है, जब वो संतुष्ट होते हैं, तो यही इसका ये है, और ये बताया है, ये सब मैंने पहले बताया था, ये वर्णन किया कि कैसे ये होता है, और इसका ये श्लोक मैंने बताया था पहले, नैषां मतिस्तारक रुक्रमा, अपना मन भगवान में जब केंद्रित कब होगा, जब हम शुद्ध भक्त अकिंचन भक्तों के चरण धूलि में नहाएंगे,
तब भी ही हमारा मन भगवान में लग सकता है। ये कौन निष्कर्ष दे रहा है? प्रहलाद महाराज। किसको दे रहे हैं? हिरण्यकश्यपु। क्योंकि हिरण्यकश्यपु उनको पूछ रहा था, अरे यार सबसे अच्छा क्या सीखा तू बता। तो वो सब बताता है श्रवणम कीर्तनम। वो चिढ़ जाते हैं, वापस उसको भेजते हैं। वापस प्रहलाद महाराज आता है कुछ दिन बाद। वापस वो पूछते हैं कि सब, दो तीन मीटिंग होता है उनका, ये मीटिंग जो है वो बता रहा हूं मैं अभी, कि वो बोलते हैं अरे ये तेरा मति आया किधर से इतना। तो वो उनको बोलते हैं भाई आपका ऐसा मति नहीं हो सकता, क्योंकि आप गृह व्रत में मतिर न कृष्णे परतो स्वतो मिथो भी पद्यत गृह व्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चरित चरण। तो आपने गृह व्रत ले लिया है, आपका मति आपकी शक्ति से या काउंसलर के गुरु की शक्ति से या दोनों की शक्ति से भगवान में नहीं लग सकता। तो बोलते षंड अमर का मति भगवान में नहीं है, वेदों में भगवान का वर्णन होता तो षंड अमर का होना चाहिए। तो बोलते नहीं, वो सात नहीं जानते। और फिर बोलते लगेगा कैसा? महत पाद रजो विषेक। तो वही बताया ना, ईशा मति स्थावत रुक्र मांगो। तो इसलिए हमें ये ऐसे शुद्ध निष्किंचन वैष्णव से आकर्षित होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, तो ही हमारा मन कृष्ण में लग सकता है। इसलिए मैं हमेशा वही बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, कि जहाँ वरिष्ठ भक्त आते हैं, सन्यासी गुरुजन प्रभुपाद जी के शिष्य आते हैं, तो चरण में बैठिए, श्रवण कीजिए, परिप्रश्न कीजिए, सेवा कीजिए, वो उनके कृपा से उनके अनुग्रह से कुछ भी हो सकता है। और जो व्यास पूजाएं होती है ना, वो ये नहाना होता है उनके गुणों में। तो ये बताया है, ये सातवां स्कंद इधर खत्म होता है। और हम ये सब वर्णन कर रहे हैं परम पूज्य भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज के जो लेक्चर है ना, उसके हिसाब से सभी कृतज्ञता उनसे। ठीक है, तो 11:45 हो गया, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। हरे कृष्ण संतरा श्रीमद भागवत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कल कंटिन्यू करेंगे बाकी का स्कंद। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी किसी को कुछ अगर प्रश्न है, नहीं तो कुछ व्यक्त करना है तो कर सकते हैं आनंद से, नहीं तो किसी को जाना है तो आनंद से जा सकते हैं। और ऑनलाइन लोगों से मैं माफी चाहता हूँ, आज एक्चुअली स्क्रीन शेयर करना मैं भूल गया, अभी याद आया मेरे को, तो कृपया माफ कीजिए। हाँ वो तो भेजूंगा, पहले चार तक भेजे हुए सब भेजूंगा। भारत वर्ष का है ना? हाँ, स्कंद वंश भी बताएगा। क्या शिवदेव महाराज हमारे पार करके ये जरा ऐसा बताया, क्या पार के है, क्या हिमालय पार करके इधर आ। हाँ वही तो, कितने बार वर्णन है महाभारत में, महाभारत में बहुत वर्णन है। अर्जुन धन संचय करने के लिए गया था, तो पूरा किम पुरुष वर्ष कुरु वर्ष वहां सब जाके घूम के आ गया। वो बहुत वर्णन आते हैं, बहुत जगह महाभारत में बहुत वर्णन। तो बिल्कुल सही है। यस भौजी, वो ये स्लाइड है ना, आप जो ग्रुप में ज्वाइन हुए क्या, उसमें ऑलरेडी कर दिया, तो 2 मिनट में हो सकते हैं, है उसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो मिल जाएगा। और आपको आगे पेन ड्राइव है तो दे भी सकता हूँ, है आपके पास? तो व्हाट्सएप है ना आपका? तो क्या कीजिए, ये स्कैन करके, अब भी है मोबाइल आपका? जॉब पे नहीं आता ना, जॉब पे आता नहीं है क्या? जूम पे शेयर करता हूँ ना मैं, लेकिन आज मैं वो शेयर करना भूल गया। हमेशा क्या शेयर करता हूँ पहले और फिर इधर दिखता। ये जो है तो मामला का बताया ना, यानी कभी कभी ये निकल भी तो करना पड़ता है। तो उसने पराशर मुनि का एक रेफरेंस दिया था कि इनके सब इमरजेंसी, उन्होंने भी किसी प्राणी का हड्डी का मांस खाया था। हाँ, अरे कुत्ते का खाया था एक ने, कुत्ते का, वशिष्ठ मुनि ने, नहीं लेकिन पराशर मुनि, लेकिन वो आपद धर्म था, सब अकाल इमरजेंसी था।
पराशर मुनि का है, वशिष्ठ का नहीं। वो थोड़ी डेली खा रहे थे। एक सेकंड, इधर गया। दो बच्चों में से आपने बताया कि एक राजा हो गया, नौ नवयोगेंद्र, नौ कौन हो गए, योगेंद्र, नवयोगेंद्र 11वें स्कंद वाले योगेंद्र एंड कौन परमहंस थे, हो गए, सन्यासी, ब्रह्मचारी, परमहंस, हाँ परमहंस परमहंस, बोला है। हाँ हाँ और बाकी का ब्राह्मण हो गए। अच्छा हाँ, कर्मकांडी ब्राह्मण, अच्छा वो भागवत में एक श्लोक है, कौन कौन क्या क्या हुए, एक ही फैमिली में है ये सब। किधर गया? ने वो कर्मकांडी को विप्र बोलते हैं ना। हाँ ये इसको स्कैन कर दीजिए। हाँ स्कैनर सही। हाँ तो ये ग्रुप, आप ग्रुप जी में जी ज्वाइन हो जाएंगे और उसमें आपको ये इसका लिंक भी मिलेगा, ये जो ऑनलाइन है ना, अभी ऑनलाइन सब रिकॉर्डिंग हुआ उसका भी।